तुमने उसकी उसी टाइम पे माँ बहने करके वो वीडियो पहले से यू नो प्लानिंग करके आ, कंटेस्टेंट कोई आ रहा होगा, वो मुझे कॉल लगाएगा, हेलो मिस मृदुला की सेलेक्ट स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था। वो हमारे घर में ना छत भी नहीं होती थी, जब बारिश आती थी ना तो हम लोग ऐसे बकेट से, मैं गटर में मतलब जा, बाकी के कंटेस्टेंट्स हमको खाना चाहिए हमको खाना चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए, बट जब मैं स्पिरिचुअल के बाद आई कुछ 4-5 महीने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने, आई एम बाइपोलर मतलब पक्की वाली पागल हो गई थी मैं। अवंतिका या फिर कोई भी जितनी भी लड़कियां थी, मैं सबसे अपने आप को सुखी, लोग जैसे पार्टनर स्विच करते हैं वो ये लोग फुटेज के लिए नहीं करते थे, वो उनकी असलियत। उसके भाई के इंस्टा पे उसकी शादी की रील बना के नाच गा के ये फेमस हो रही है, इनोवेयर्स उसने हाँ छत पे फेंक दिया, होता तो टीवी पे आता, मैंने तो नहीं देखा। जो हुआ मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ, उसको शो से निकाला भी, और उसको शो में जो आने के लिए पैसे दिए थे वो उसको मिले भी। मैं मरने वाली हो गई थी, मैं ना पानी पी पा रही थी ना खाना, ऐसा मार मैंने लाइफ में कभी, तो ऐसी घटिया हरकतें वो फ्री में ही कर सकती है। 8 साल के रिलेशनशिप के बाद उसने किसी और से शादी कर मैं ली, इनको जानती नहीं हूँ, मैं इनको नहीं, सीजन 13 में कोई डिजर्विंग था ही, भी ज्यादा प्यार किया था वो मुझे, अगर बोलेगा उठ तो मैं उठूंगी, बैठ तो बैठ, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह सब गवा के वो पूनम पांडे की तरह बोलकर नहीं आएगा, आज आया पूनम पांडे एंड आई एम अलाइव, मुझे उसने बोला 1 महीने के लिए मैं गाँव जा रहा हूँ, ऐसे ही खुद को जलील करके ये लोग आगे बढ़ते। तो जब मुझे निकलने चूज भी नहीं किया, मुझे घंटा फर्क पूरे जर्नी में जो नहीं किया वो मैंने 4 दिन में, मैं एक्स्ट्रा ओवर भड़क, मैं बहुत हैप्पी थी कि वो लोग आइडल मैच नहीं बने, फोरहेड पे इधर ऐसे स्वेलिंग, कोई वैसी अमीर बाप की औलाद भी नहीं, इसने सर्जरीज करवाई है, इसने लिप फिलर्स करवाए, इस लॉकअप, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी डिप्रेशन के मेडिसिन पे थी, और मैं मेरे शो में भी मेरे डिप्रेशन के, वो छोड़ो मैं तो सीधा उसको पंच कर देती, बला में पूरा वो हो गया था बवाल, स्लट शेमिंग स्लट शेमिंग, उस डिप्रेशन में मुझे खुद को ही पता नहीं था, मैंने इतना बोल दिया मुझे प्यार में बर्बाद। उस दिन मैं डोम से नहीं निकलती ना तो चप्पल उसके मुंह पे नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ निकिता को फुटेज कहीं से मिलेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स वो लोगों ने मुझे डायरेक्टली बोला कि यू आर नॉट मेंट फॉर ओडी। बहुत सारे मेरे फैंस हैं जिनको मेरी उल्टी हरकतें पसंद आती है, मैं सीधा कुछ काम करूँ तो उनको अच्छा, लाइक इंडस्ट्री वाला काम मत करो, ये मत करो, पर्दे में रहो, आपको 2 वे में ताना मारते ऑफ कैमरा पे, चैलेंजेस में क्यों चूज कर, एक्स गर्लफ्रेंड थी या पता नहीं जो भी थी वो अलग बजे जा रही है, किसने मुझे चीट किया है, अब यार जो डॉन बनी है वो कौन सी डॉन है मुझे समझ। फैमिली ने भी शो वालों पे बहुत प्रेशर, मुझे बाद में पता चला कि इट इज ओके अगर वो एक पटा रहा है दो पटा रहा है, ये हुकअप्स का टाइम चल रहा है, आदत नहीं होगी, बट ये लोग पढ़ लिख के आते हैं, ये लोग फुल स्टडी करके आ रहे हैं शो में, यही इनका प्रॉब्लम। अनिका लाइक सुसु और वो पॉटी वगैरह, हर्ष आई डोंट नो, कैटून केविन के मैं गुड बुक्स में नहीं रहती, ये मुझे मारे और फिर मैं लॉकअप में नंगी घूमा, उसने 3 लाख रुपए का मेकअप तोड़ दिया, अगर बचपन में मैं इतनी गालियां देती प्रिंसुला मैं सारे ही ओवर एक्टिंग कर, ना मैंने तुम्हारी बैंड बजा के रखी, फिर मेरा नाम भी आजमा नहीं। हेलो आजमा, व्हाट इज अप गर्ल? हाय भव्या, ऑल गुड, यू टेल मी व्हाट्स अप विथ यू। आई एम गुड. माय डॉन गैंग एंड मी, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर चैनल. वी लव यू थैंक यू, थैंक एंड वी अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन स्प्लिट्सविला 15 होस्टिंग. आई एम श्योर यू गोना डू अमेजिंग देयर एंड यू। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग एंड एंटरटेनिंग अस बेबी. थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डू. थैंक्स टू यू, मैं अभी तुम्हारी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब मैं स्प्लिटसुला में थी तो जब मैं किसी को गालियां देती थी तो सब मुझे भव्या भव्या बोलते थे, यू नो। मेरे को भी बोला बहुतों ने कि यू नो यू आजमा, जब मुझे मेरे को मिले थे सब प्रोड्यूसर्स, तो मुझे बोलते थे कि हम ना आजमा को चिढ़ाते थे, भव्या भव्या करते थे. बट आई थिंक आजमा ने गाली नहीं दी. तूने गाली नहीं दी ना ब्रो? मैं ऑफ कैमरा गाली दे व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पीपल हु अब्यूज ऑन द शो? मुझे लगता है अब्यूज, देखो हम जैसे किसी को MCVC बोल देते हैं, वी डोंट मीन इट, वो बस ऐसे ही निकल जाता है, कुछ कुछ लोग मस्ती में बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही बोलते हैं, किसी किसी को नहीं चलता है। अगर तुमको चलता है कि मैं तुम्हारे साथ गाली वाली दे के बात करूँ, यू आर कंफर्टेबल, इवन यू विल स्टार्ट अब्यूजिंग, इवन आई स्टार्ट अब्यूजिंग, वो एक वाइब होता है, गाली देना इज अ वाइब मेरे हिसाब से, और जिसको नहीं चलती गाली तो उनको एक क्लियरली बोलना चाहिए दैट आई डोंट लाइक इट, सो दैट हमें भी पता होना है दैट ये XYZ को पसंद नहीं है गाली वाली, तो हम नहीं देंगे, इट इज जस्ट वाह, लाइक दैट। अब से कोई मुझसे पूछेगा मैं यही बोलूंगी, तो तेरी वाइब मैच होगी तो मैं तुझे गाली दूंगी, नहीं होगी तो मैं तेरे को गाली नहीं दूंगी. नहीं यस, वाइब मैच होगी तो आपको मुझसे गाली पड़ेगी, नहीं होगी तो फिर नहीं पड़ेगी। ओके आजमा, आजमा आई वांट टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट बाय नोइंग लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू स्प्लिट्सविला, लाइक हाउ इट ऑल हैपेंड, लाइक यू वांटेड टू डू अ रियलिटी शो.
मुझे रियलिटी शो करना था, बट डेटिंग रियलिटी शो मुझे नहीं करना था। मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था रोडीज के लिए। फिर हाँ, रोडीज का जो मेरा फिर वीडियो वाला ऑडिशन हुआ, उसके बाद देन वो लोगों ने मुझे डायरेक्टली बोला कि यू आर नॉट मेंट फॉर रोडीज, यू कैन ट्राई फॉर स्प्लिट्सविला। एंड देन जब स्प्लिट्सविला के ऑडिशन स्टार्ट हो गए, तो मैंने कोई वीडियो वाला ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। मुझे डायरेक्टली कॉल आया, बिकॉज ने रोडीज का ऑडिशन दिया था, तो मुझे कॉल आया स्प्लिट्सविला के लिए। और मैंने तभी बोला कि यार मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं ऐसी डेटिंग शो में आ ही नहीं सकती, मैं किसी लड़के के साथ बात नहीं कर सकती कैमरा पे, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड देन दे सेड जस्ट बी योरसेल्फ, आप आ जाओ, आपको जैसे लग रहा है आप वैसे करो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्प्लिट्सविला में सारा स्क्रिप्टेड है, या ये है या वो है, ये सारा झूठ है। ये लोग है ना, ये लोग अंदर जाके इतनी बकचोदिया करते हैं ना, फिर बाहर निकल के बोलते हैं यार वो तो स्क्रिप्ट दिया था मुझे। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये लोगों ने खुद डैमेज किया था सारा, लेकिन ये लोग शो पे डाल देते कि यार स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। पता है क्या हुआ था, मैंने एक मतलब शिवम के बारे में कुछ कुछ बोला था कि यार उसको देख के मैं तो पागल ही हो रही थी वगैरह। फिर मेरी मम्मी मुझे शो देख के पूछती है, और मेरे डैड पूछते हैं कि सच्ची में तो मतलब सच्ची में तुझे ये अच्छा लग रहा था क्या, एकदम ऐसे मतलब डिफरेंट वे में। फिर हाँ मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा बोला बुलवाया गया था, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, मुझे बुलवाया अच्छा, पर तूने कभी बाहर आके लाइक गया। अपनी लाइव वगैरह, बिकॉज यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, तू जो बोलती है लाइव पर आकर और तू स्टोरीज भी डालती है अगर जो तुझे पसंद नहीं है, तू बहुत ही अपफ्रंट है, तू सब कुछ बोल देती है जो तेरे दिल में होता है, बट तूने कभी भी स्प्लिट्सविला के लिए कभी कोई स्टोरी डाली नहीं थी, जबकि तू 2 एपिसोड में आउट हो गई थी, बट कभी तूने कुछ भी नहीं किया, यू टुक इट विद लॉट ऑफ ग्रेस विच आई रियली लाइक्ड अबाउट यू. या बिकॉज जब मैं स्प्लिट्सविला में गई, मेरे लिए डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। मैं दूसरों की तरह नहीं होती हूँ कि यार मैं एक शो में जा रही हूँ तो मैं पहले माहौल देखूंगी कैसा है, किसके साथ मेरी बॉन्डिंग होगी। नहीं, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। पहले दिन में ही मुझे अगर इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, इफ आई डोंट लाइक यू मैं एंड तक आई विल नॉट लाइक यू, सिंपल। तो मुझे जो करना है तभी मैं करूंगी, इफ आई डोंट लाइक यू तभी के तभी ऑन द स्पॉट में तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, एंड इफ आई लाइक यू मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, फिर तुम्हारे साथ मिलकर दूसरों की बैंड बजाऊंगी। तो मैं जल्दी क्विकली जज कर लेती हूँ, और मैं अपने एक्शंस भी क्विकली लेती हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती नहीं है। How do you judge the person on a reality show? सी ऑन रियलिटी शो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, और ये तुम्हें भी पता होगा कि आप रियलिटी शो में जाते हो तो ऑफ कैमरा लोग कैसे बिहेव करते हैं, और ऑन कैमरा कैसे बिहेव करते हैं, और फोर्सफुली ओवर एक्टिंग कैसे करते हैं। और मैं जब भी किसी शो में जाती हूँ, मैं इंडस्ट्री में, ऑफकोर्स तुम भी जैसे पॉडकास्ट करती हो, तो तुमको सारे ट्रेंडिंग वाले, कौन ट्रेंड पे चल रहा है, कौन पीछे छूट गया है, कौन जिसका आता पता जो कब्र में गड़ चुका है, उनको भी तुम जगा के ला रहे हो, तो तुमको सब पता है कि कौन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर जब मैंने सारे इंडस्ट्री में सबको देखा है, तो जब मैं उनको फिर फेस टू फेस मिलती हूँ इन अ शो, तो मैं उनको जज करती हूँ कि यार ये बाहर तो वैसे नहीं है, ये यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रहा है, हमको पता चल जाता है। तो तेरे सीजन में कौन ओवर एक्टिंग कर रहा था, स्प्लिट्सविला की अगर बात करें तो? स्प्लिट्सविला में सारे ही ओवर एक्टिंग करते थे, सारे ही कैमरा पे आके मेरे साथ फुटेज लेते थे, और ऑफ कैमरा बोलते थे आसमा तुझे पता है ना हम फुटेज के लिए कर रहे हैं, आसमा तुझे पता है ना हम फुटेज के लिए कर रहे हैं। फिर मैं भी बोलती थी आओ बच्चों फुटेज कैमरा के टाइम पे, और फिर ना मैंने तुम्हारी बैंड बजा के रखी, फिर मेरा नाम भी आसमा नहीं। देखो बोलती जब मैं कुछ थी कर तू कैसे, सच में हाँ, और बोलती, जब मैं यस और जब मैं कुछ ओवर कर देती थी ना, तो फिर वो लोग मुझे बोलते थे कि आसमा तूने ओवर कर दिया। हाँ. तू हाँ, तो सब लोग क्यों बोलते हो फुटेज के लिए कर रहे हो, तो मैं भी करती हूँ फिर, करती है चीजें फुटेज के लिए, तू मानती है चीज. क्योंकि मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ। अगर मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं और मुझे पसंद करते हैं, और इतना बड़ा मुझे अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मैं लोगों को एंटरटेन करने में मतलब एक सेकंड भी नहीं छोड़ती। वाओ वाओ आसमा वाओ, सो ऑनेस्ट यार. लोग पता है लोग सोचते हैं कि बड़ा चीप सा है फुटेज लेना, और लोगों का ना दिमाग में एक वो होता है लाइक एक मिथ है कि ये तो फुटेज के लिए कर रही है, ये इस चीज के लिए कर रही है, बट द वे यू एक्सप्लेन इट, वाओ लव्ड इट. हाँ, मैं फुटेज के लिए कर रही हूँ, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे फुटेज चाहिए, मुझे दिखना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। बहुत सारे मेरे फैंस हैं जिनको मेरी उल्टी हरकतें पसंद आती है, मैं सीधा कुछ काम करूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि मैं कुछ उल्टा करूँ, तो फिर मैं उनको कैसे डिसअपॉइंट कर सकती हूँ यार, अच्छे काम करके मुझे उल्टे काम करने पड़ते हैं। आजमा, ये जो क्वेश्चन आज हम आपसे पूछेंगे ये सारे आपके फैंस ने भेजे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर,
हम लोग एक पोल रखते हैं, जब हमें पता होता है कि ये हमारा गेस्ट आ रहा है, हम एक फैन बे बनाते हैं, क्वेश्चंस मी एंड माय फैंस, मी एंड माय डॉन गैंग नेक। सो द पहला क्वेश्चन पीपल वांट टू नो इज कि आप बचपन में कैसी थी, ये बताइए जरा थोड़ा। मेरा बचपन थोड़ा एक अलग अलग फेजेस में गुजरा है। सबसे पहले तो मैं एक मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, अभी तो नहीं, टच वुड, थैंक्स टू गॉड। तो हमारे घर में ना छत भी नहीं होती थी, जब बारिश आती थी ना तो हम लोग ऐसे बकेट्स रख के पानी गिरता था हमारे छत से। ऊपर वाले ने हमको तो बहुत कुछ दिया है, लाइक हमारी औकात से भी ज्यादा हमको दिया है। तो मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, मिट्टियों में खेल के, जमीन से गिरा हुआ खाना खा के, एक टाइम पे खाते थे, रात के टाइम पे कभी किसी ने कुछ दे दिया पड़ोसी पड़ोसी ने तो वो खाते थे, तो बहुत वैसे गुजरा है। फिर स्लोली स्लोली फैमिली की सिचुएशंस चेंज हुई, सब अच्छा हुआ। और मैं बहुत ज्यादा बचपन से ही, जब भी मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, मैं यही बोलती थी कि मुझे हीरोइन बनना है। मुझे स्कूल में टीचर पूछती थी कि तुम्हें लाइक व्हाट इज योर एम, मैं बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है। तो मैं वैसे जोन में बड़ी हुई हूँ, अगर मैं बस्ती में भी रहती थी तो मैं मेरी बस्ती की भी हीरोइन थी बचपन से ही। हाँ, टीवी में वगैरह लाइक मूवीज वगैरह देख के वो वाला ही एटीट्यूड, नखरा, सब वैसे ही। बट अच्छा रहा है मेरा चाइल्डहुड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और बचपन में भी मैं ऐसी गालियां देती थी बचपन से ही, अगर बचपन में मैं इतनी गालियां देती थी, मैं तो लाइक कोई ना कोई आके मेरी मम्मी को कंप्लेन करता ही था कि ये क्या है, ये क्या बोलती है, कितनी गाली देती है, कितना मारती है। और मैं मारती भी थी बचपन में दूसरे बच्चों को वगैरह, बहुत नॉटी थी। और मैंने अपनी लाइफ कभी भी सीरियस नहीं ली भव्या, बचपन से लेके अब तक। मैं अभी भी बच्ची ही हूँ, मैं अभी तक बड़ी नहीं हुई। मुझे आजमा के बारे में एक बात बोलनी है। मुझे ऐसा लगता था आजमा में बहुत एटीट्यूड है, जिस हिसाब से वो जब मैंने उसको सीजन में देखा था, बट इस बंदी में ना, मतलब पता है आजमा, जैसे तूने बोला तू कहाँ से आई है, पता सबसे अच्छी चीज जो तेरे में आया, और जो मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली दैट कि कभी भी ये मत बोलना तुम लोग कहाँ से आए हो। तुम लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हो, बट ये मत बोलना कि तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था। और जिस दिन तुम वो याद रखोगे ना, यू कैन बिकम एज फेमस एज आजमा टूडे। आई कैन से दैट, आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड ब्रो, आई एम रियली प्राउड टू बी योर फ्रेंड, थैंक यू आर रियली डूइंग, यू। यू आर वेलकम बेबी। तो मैंने आप, सोची थी बाजार गुंडी है, बट वो गुंडी नहीं है यार। मैं माफिया हूँ, मैं माफिया चलाती हूँ। माफिया ना, आजमा और मैं, गाइस हम ना तुम लोगों को झूठ दिखा रहे हैं सब कुछ, हम दोनों ना एक माफिया गैंग चलाते हैं, ठीक है। हाँ भव्या, भव्या पॉडकास्ट में उसको कोई कुछ भी बोलकर जाता है ना, वो बोलती ओके रुको मैं तुमको दिखा दूँ, दूसरे दिन उसके घर पे लड़कियां भेज के उसकी पिटाई विटाई करवा देती है ये। ओके, आज ना मेरे को, जब आपका सिलसिला हो गया, तो मम्मी ने क्या, मम्मी पापा ने क्या बोला? मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे मुझे, मेरे अगर मुझे मुझे पूरे खानदान में अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया है तो वो सिर्फ मेरे माँ बाप है, और बाकी किसी ने भी नहीं किया है। बाकी सब बकवास करते हैं और अभी भी करते करते थे और अभी भी करते हैं। सिर्फ मेरे मॉम डैड एंड आई थिंक माई सिस्टर, ये लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं और काम कर और बहुत कुछ कर। मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला है अपनी फैमिली से, बट मेरी मॉम और मेरे डैड ऐसे हैं कि वो लोग अगर कोई फैमिली मेंबर आके कुछ बोलता है कि ऐसा इंसान, मतलब आप एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहते हो, रिलीजियस फैमिली में रहते हो, तो वो लोगों का एक डायलॉग रहता है कि भूखे मरो लेकिन ऐसा काम मत करो, लाइक इंडस्ट्री वाला काम मत करो, ये मत करो, पर्दे में रहो, आप ऐसे रहो। सब कुछ ठीक है, सबका अपना अपना होता है, बट अगर वो लोग जब ऐसे आके कुछ बोलते तो मेरी मम्मी तो उनसे भी लड़ लेती है फिर। मतलब अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया ना तो मेरी मम्मी लाइफ में कभी उनसे बात नहीं करेगी, वाह, ऐसी है मेरी मम्मी। यस, मेरे डैड भी ऐसे ही है, और बोलते हैं अगर आपको इतनी फिक्र है हमारी बेटी की तो मेरी बेटी को अच्छा खिलाओ पिलाओ, जिसको जो चाहिए वो दिलाओ, सब कुछ उसका खर्चा उठाओ, और फिर आप मेरी बेटी को बोलना है कि बेटी आप टीवी में काम मत करो या इंडस्ट्री में काम मत करो, उसको इंडस्ट्री और टीवी से जितने पैसे मिल रहे हैं आप उसको दो, फिर आके ज्ञान फेरना। मेरे डैड भी ऐसे बोलते हैं। सुन रहे हो क्या कह रही है लड़की, सीखो कुछ, माँ बाप देख रहे हैं, प्लीज ये होना चाहिए गाइस। वो होना चाहिए। क्या, हाँ मेरे को आपसे अब एक क्वेश्चन एंड है, आपने इस सिलसिला भी किया है, आपने लॉकअप भी किया है, आपका पर्सनल फेवरेट शो कौन सा है? लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग भव्या, मेरा दोनों ही शो फेवरेट है, बिकॉज क्योंकि जो मेरी टीम स्प्लिट्सविला में थी वही टीम मेरी लॉकअप में थी,
जो पीछे वाली टीम है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मेरी दोनों सेम टीम थी। तो जब मुझे स्प्रिचुला के लिए भी कॉल आया था, मुझे सेम लोगों से कॉल आया, और जब मुझे लॉकअप के लिए भी कॉल आया, मुझे सेम लोगों से कॉल आया। तो मेरे लिए दोनों शोज में कोई डिफरेंस ही नहीं था, मेरे लिए वो दोनों सेम ही शो था। लॉकअप का कॉल कैसे आया? लॉकअप का कॉल ऑफ कोर्स मुझे स्प्रिचुला वालों की तरफ से आया था। हाँ फिर तो क्या वे तो लाइक यूजुअली मेरी टीम काम कर रही थी लॉकअप के लिए, हाँ तो सेम लोगों ने मुझे फिर अप्रोच किया। हाँ तो तेरा क्या रिएक्शन था? क्या होगा जेल में? जेल टाइप कुछ तो बताया होगा? कुछ नहीं बताया? मुझे नहीं, मैं एक्चुअली वाइल्ड कार्ड थी, तो मुझे सब कुछ पता था कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। बट मेरा एकदम ऑल ऑफ सडन मेरा लॉकअप में अप्रोच हुआ। मुझे एंट्री के समझो, मैं जो आज रात को 9 बजे कॉल आया, और परसों मेरी एंट्री है। ओके, बट इट प्लेड इन योर फेवर. मतलब इट वाज लाइक यू प्लेड रियली गुड इन लॉकअप. आई फील लाइक दैट. बहुत साथ उन्हें. यस यस हाँ ऑफ कोर्स, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ लॉकअप। स्प्लिट्सविला तो 1 महीने में खत्म हो गया, और स्प्लिट्सविला में यू नो कैसा होता है कि आपके साथ कैमरा की टीम होती है, फिर आपके साथ आपका क्रू होता है, सब कुछ अलग अलग लोग आपको देखने मिलते हैं। बट लॉकअप में ऐसे था कि उन 14-15 लोगों के अलावा किसी की आपको शक्ल ही देखने नहीं मिलती है। वो कंगना रनावत तो मुझे हूर परी लगती थी, इतनी अच्छा मेकअप ड्रेस वगैरह पहन के आती थी। मैं बोलती थी यार मैं कब जल्दी बाहर निकलूंगी, और मैं कब ऐसे रेडी होंगी, ऐसा ही ओके, सिचुएशन होता था। नाउ आपकी निकी निकी के साथ एक फाइट हुई थी स्प्लिट्सविला में, जिसमें वो रील बहुत वायरल हो रही है. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट. एक रील है जो कि बहुत वायरल हाँ हो रही है. उसके अंदर आप बोलते हो कि निकी ने आपको ये बोला था कि चप्पल उठा के मारोगे. ठीक है ठीक है. हाँ वो पूरी फाइट है जो वो जो हमने टीवी पे देखी, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट थोड़ा बहुत कट होता है, दे पुट द मसाला आउट. तो क्या हुआ था उस दिन, हमको ये जानना है. एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, निक्की मुझे प्रोवोक कर रही थी, तूने जो गाली दी है वो देना देना देना, तूने कौन सी गाली दी है दे। मैंने बोला यार मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गाली दी, लेकिन अगर तुझे गाली खाने का शौक है तो तू बता, मैं तुझे गाली देती हूँ। वो कौन सी गाली, वो मुझे पोक कर रही थी कि गाली दे गाली दे गाली दे। तो मैंने कहा तुझे गाली देने का शौक है तो तेको ही मैं वो गाली देती हूँ अभी। फिर उसने बोला तुझे चप्पल निकाल के मारूंगी। उसने नहीं बोला, मैंने उसको बोला तुझे चप्पल निकाल के मारूंगी। उसने नहीं बोला, मैंने उसको बोला तुझे चप्पल निकाल के हाँ मारूंगी, चप्पल उठा के क्योंकि आपने बोल. हाँ सॉरी सॉरी माय बैड. हाँ क्योंकि मैंने ऐसे उसको जवाब दे दिया था, और वो भी मुझे ऐसे जवाब दे रही थी कि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई, और मैंने इतनी गंदी गाली दी थी वो कि मैं वापस से वो रिपीट नहीं कर सकती थी, इतनी गंदी वाहियात गाली थी। तो उस दिन विला में पूरा वो हो गया था बवाल, स्लट शेमिंग स्लट शेमिंग। मैंने बोला भाई मैंने कौन सा गाली या स्लट शेम कर दिया, एक गाली गलती से मुंह से निकल गई, उसका उन लोगों ने इतना बवाल बना दिया, और निकिता को फुटेज कहीं से मिलेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स वो मुझे ही प्रोवोक किए जा रही थी। मैंने उसको बोल दिया चप्पल निकाल के तेरे मुंह पे मारूंगी, और अगर उस दिन मैं डोम से नहीं निकलती ना, तो चप्पल उसके मुंह पे नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ वहां तो मैं कहीं ना कहीं तो मार ही देती। मतलब समझो अगर वो ऐसे बैठी है तो उसके सर के पीछे से चप्पल निकल के जा रही हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करती, आई स्वेयर। मतलब तू फिर निकी ने कभी अपोलोजाइज किया? आप दोनों की कभी बात हुई उसके बाद से? कभी कुछ हुआ कि कभी बात हुई? नहीं कभी भी नहीं आप करना चाहोगे? यार, क्यों, मतलब मैं गटर में जाना पसंद नहीं करती हूँ अभी। मैं मानती हूँ कि मैं पहले ऐसे गटरों में मुंह डाला करती थी, लेकिन अभी मैं अब अभी मैं आप उनसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ, वो लोग मेरे बहुत पीछे हैं। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है आजमा. ओके आजमा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको बहुत बॉडी शेम भी किया गया था शो पे. आपको शो में बहुत बॉडी शेम किया गया, तो आपने ये आप ऑफ कैमरा कैसे डील करते थे इन सब चीजों से? लाइक ऑन कैमरा तो हमने देखा हुआ है, ऑफ कैमरा आप कैसे डील करते थे? बॉडी शेम, और मैं सच्ची बता रही हूँ, स्प्लिट्सविला के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि मैं बॉडी शेम से डील ही नहीं कर पाई स्प्लिट्सविला में। स्प्लिट्सविला में कोई मुझे बोलता था कि तू बहुत ज्यादा मोटी है, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, वो लोग आपको दो वे में ताना मारते ऑफ कैमरा भी, कि तू तो चैलेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएगी यार, हम तुझे अगर चैलेंजेस में क्यों चूज करें, तू कर पाएगी? तू तो जिम नहीं जाती है, कुछ नहीं करती है, और स्प्लिट्स चैलेंजेस का भी कभी कुछ पता नहीं होता था। कभी भी हम कोई भी इवन यू आर पार्ट ऑफ स्प्लिट्स वाला, तो हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट करते थे कि आज का चैलेंज क्या होगा, कहीं उठाने वाला चैलेंज होगा तो यार ये तो इतनी मोटी है,
ऐसे बहुत ज्यादा वैसे हुआ मेरे साथ भी। एंड देन उसके बाद फिर मुझे तो बहुत इफेक्ट करती थी वो चीजें। मैं उस टाइम पे लोगों की माँ बहनें कर देती थी, बट कहीं ना कहीं आपको वो चीजें इफेक्ट करती ही है। बॉडी शेमिंग टॉन्ट्स के साथ आप कहीं भाग नहीं सकते, आप वो ओवरकम ही नहीं कर सकते हो। मैं भी आजमा इस बारे में तेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे भी पॉडकास्ट पे किसी ने मेरे को मोटा बोल दिया था लिटरली। उसके बाद से मैंने खाना ओ बंद कर दिया। हाँ, मैंने हाँ उसके बाद से खाना बंद कर दिया। सो आई कैन रिलेट टू इट। लाइक बहुत फर्क पड़ता है, आप चाहे उस वक्त कितना भी रिटेलिएट कर लो, स्पेशली बॉडी वाइज ना, आपको लगता है कि यार मैं सच में मोटी हो गई हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, ये सब तो होता है। बट हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, हम जानना चाहेंगे। यार, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट हुआ है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला जिम ज्वाइन करो, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरा वो लोगों ने मुझे इतना प्रोटीन ये खाओ वो खाओ बोला, और उसके बाद मुझे अचानक से बॉडी मोटी होने लग गई। भाई मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, इनके प्रोटीनों के चक्कर में मेरा वेट बढ़ने लग गया। तो गाइस, किसी ऐसे कोई तुमको बोलेगा जिम ज्वाइन करो ये खाओ, डाइट चार्ट देंगे आपको ये खाओ वो खाओ, भाई कुछ बिलीव बिलीव मत करो। आप फालतू में इतनी सारी चीजें खाओगे और मोटे हो जाओगे। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, मैंने अपना वो पोर्शन कम किया, खाने का खाने का पोर्शन कम किया, और मैंने ज्यादा लिक्विड लेना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सूप पीती हूँ, जब सूप से मैं फुल हो जाती हूँ उसके बाद फिर थोड़ा सा राइस या रोटी छोटी सी ऐसे कुछ खा लूंगी। तो मैंने सिर्फ पोर्शन कम किया और टाइमिंग पे भी काम किया। फास्टिंग करोगे तो सबसे बेस्ट होता है वेट लॉस में। आजकल डू यू बिलीव इन ईटिंग लेस फूड एंड ऑल दैट, डू यू बिलीव इन दैट? लाइक आप, लाइक जैसे यंग गर्ल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो खाना ही नहीं खाती। हाउ डू यू, आई फील लाइक आप हेल्दी भी होने चाहिए हो, आप हेल्दी भी होने चाहिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऑफ कोर्स हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं अभी भी हेल्दी हूँ, इतनी भी पतली नहीं हुई हूँ, ठीक ही हूँ। माय वेट इज 45 नाउ। वाह, एंड खाना चाहिए आपको, अपनी फेवरेट चीजें खाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि पोर्शन कम करो खाने का, आप कुछ भी खाओ, आप चाहे बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ विद अ लॉट ऑफ चीज, विद अ लॉट ऑफ ऑयली फूड खाओ, आप कुछ भी खाओ, आप बस पर अपना बैलेंस पोर्शन, बनाओ, बैलेंस बनाओ। हाँ क्वांटिटी कम करो। आप इधर तक मत खाओ कि आप खा रहे हो ढूंसे जा रहे हो ढूंसे जा रहे हो, यहाँ तक आपका खाना हो गया है। आप इतना सो खाओ जितना आपकी भूख मिट सकती है, दैट्स इट। जो लोगों ने आपको बॉडी शेम किया, अब तो वो उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है, बॉडी बना के अपनी, राइट? हाँ, और वो लोग इतने फनी है कि जब अभी वो लोग मुझे मिलते हैं और वो लोग देखते हैं, वो मुझे बोलते हैं आजमा हम हमको लग रहा ही नहीं तू आजमा है, कि तू कोई और है। एंड फिर मेरे पीछे दे स्टार्ट टॉकिंग कि इसने कुछ तो करवाया है पक्का, इसने सर्जरीज करवाई है, इसने लिप फिलर्स करवाए, इसने ये करवाया है, इसने वो करवाया है। दे स्टार्ट टॉकिंग ऐसे। दे आर इनसिक्योर, यू थिंक? या दे आर इनसिक्योर, दे आर शॉक्ड, दे आर जेलस। ओके आजमा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल ऑल्सो सेड दैट यू हैव नो मैनर्स, क्योंकि आप गाली देते थे तो, या आप जो भी होता था, आप थोड़ा इनकी उतार देते थे ढंग से। सो वाई, लाइक डू यू थिंक? मैं ये जान, आज ना आजमा तू और मैं है, ठीक है, और मेरे को पता है कैटेगरी इज सेम, ठीक है, कैटेगरी सेम। आई देखो, वांट टू नो, तू क्या क्या जवाब देती है उनको जो तुझे बोलते हैं कि ये तो गाली देती है, इस पे तू क्या जवाब देती है? जो मुझे बोलते हैं मैं गाली देती हूँ, गाली नहीं, चलो मैनर्स वाली बात आती है। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, ठीक है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं जिस बस्ती में रहती थी वहां हर दिन झगड़ा होता रहता था। तो पानी के ऊपर से झगड़ा, कपड़े धोने के ऊपर से झगड़ा, हर एक छोटी छोटी चीजों में वहां पे झगड़ा ही होता रहता था। तो मैं वैसे ही जोन में, वो लोग जैसे झगड़ा करते हैं हम लोग उनको देख के सीख जाते हैं कि मैं भी वैसे ही झगड़ूंगी, मैं वैसे ही अपने दोस्तों के साथ, हम मेरी हर रोज दिन हर एक दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ हो रही है वगैरह। तो मैनर्स मैंने कभी ऐसे इतनी इज्जत देखे किसी से, वैसे बात नहीं की है ना, मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ कि मैं किसी को इतनी इज्जत दू। मैं ऐसी ही हूँ, अगर तुमने मेरी सटका दी तो फिर मैं तुम्हारी वो बैंड बजा दूंगी। अगर तुम मेरे साथ अच्छे हो तो तुम बोलोगे मुझे आजमा अपनी जान दे दे, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ कांड किया फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वैसे ही जोन में हो, मेरे अंदर कोई मैनर्स है, जिसको देना है उसको मिलता है, जिसको नहीं मिलता है उनके लिए मैं बिल्कुल मैनरलेस हूँ।
मेरी ना किसी से बात हो रही थी, मैं अब नाम नहीं लूंगी, कोई प्रोडक्शन का ही हाँ था, एंड उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि भव्या मतलब मेरे सीजन के बाद ना लाइक जो भी लोग आते हैं ना वो उनको कंपेयर करते हैं जैसे पुराने सीजन के बच्चों से, कि तू ना हमें इसकी याद दिलाती है, तेरे को भी बोला होगा, मेरे को भी बोला था, यू नो लाइक. एंड उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि पता है आजमा का दिल इतना साफ है, इतना साफ है कि हम तुझे क्या बताएं. उन्होंने मेरे को लिटरली बोला, मैंने कहा लड़की एक नंबर है, एक नंबर लड़की है. तो ये हमारी बात हुई थी, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट. क्योंकि जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है, उन्होंने ही आज भी अगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब उन्हीं की वजह से है, तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि स्प्लिट्सविला में एंट्री करने से पहले जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें मैंने मेरा पूरी लाइफ ऐसे खोल के उनके सामने रख दी थी कि ये मैं हूँ, मेरे से आप कुछ ऐसे, वो मैं स्प्लिट्सविला की कोई वैसी अमीर बाप की औलाद भी नहीं हूँ और मैं इतनी सीधी भी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी ही हूँ और मेरा नेचर भी सब लोग जानते हैं वहां पे। आई थिंक सब लोग ही ए टू जी सारे लोग, आप माइक वाले से बात करोगे, कैमरा वाले से बात करोगे, प्रोडक्शन वालों से बात करोगे, हर एक इंसान जानता है आजमा कैसी है और उसका नेचर कैसा है ना। मैंने कभी सेट पे टैंट्रम्स दिखा है, मुझे अगर टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है तो मैं ओके रहती थी, बाकी के कंटेस्टेंट्स हमको खाना चाहिए हमको खाना चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए ये वो, उनका ड्रामा चलता था, मैं हमेशा हर एक चीज में ओके 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 ओके, जो है जो मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, वैसे ही जोन में रहती हूँ, तो सब मेरा नेचर तो ऑफ कोर्स जानती है। आई लव देम अलॉट। ओके आजमा, हम आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात करें. आपने दो रियलिटी शोज किया है, एंड यू नो हमें पता है कितना टैक्सिंग होता है रियलिटी शो करना, बहुत टैक्सिंग होता है. लाइक यू नो यू गेट लॉट ऑफ ओपिनियन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, कुछ भी लोग बोल रहे हैं आगे आसपास. आपने कैसे डील किया हेट को? आपको हेट मिला कब? मिला स्प्लिट्सविला के बाद मिला, रोडी उसके लॉकअप के बाद मिला, थोड़ा उसके बारे में बताएं. एक्चुअली मैं जब अपने स्प्लिट्सविला के बाद, मैं एक स्प्लिट्सविला के बाद मुझे आई थिंक 9 महीने का गैप मिल गया था, 9 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया था, मैं अपने स्प्लिट्सविला का ही फेम यूज कर रही थी, उसके 9 महीने बाद फिर मैंने लॉकअप में एंट्री ली। तो जब स्प्लिट्सविला से मैं बाहर निकली तो सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था, प्लस मैं स्प्लिट्सविला की ऐसी पहली कंटेस्टेंट थी जिसने फर्स्ट एपिसोड से ही इतना ज्यादा मुझे फेम मिल गया था, मैंने इतना बोल दिया मुझे प्यार में बर्बाद होना है, वो वीडियोस वायरल हो रही है। तो उसके बाद फिर कोई आपको पसंद करता है कोई नहीं करता है और आप इन सब चीजों के लिए न्यू रहते हो, कभी मुझे इतना वो ना किसी से इतना ज्यादा प्यार मिला ना किसी से इतनी ज्यादा नफरत मिली। तो जब आपको कभी हेट मिलता है ना, जैसे आई टोल्ड यू बॉडी शेमिंग वाला भी सीन, हम उसे ओवरकम ही नहीं कर पाते, हम उसी जोन में रहते हैं कि हमको ऐसे बनना है हमको ऐसे रहना है। मेरी जो डंपिंग थी, डंपिंग वाले दिन तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई थी, पूरी रात पूरा दिन मैं तो उल्लू की तरह जागी हुई थी, मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही थी वो चीज़ें, आपको बहुत इफेक्ट करती है कि आपने काश कुछ अलग कर दिया होता या काश कुछ आपने कुछ अलग कर दिया होता। बट मेरे डंपिंग के बाद मैं जिस जगह पे गई वाइल्ड विला, और जो वाइल्ड विला के भी प्रोड्यूसर्स थे आई थिंक वो लोगों ने ही मेरी लाइफ बदली है। सो जब मैं 9 महीने के बाद मुझे दूसरा शो अप्रोच हुआ था लॉकअप, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी डिप्रेशन के मेडिसिन पे थी और मैं मेरे शो में भी मेरे डिप्रेशन के मेडिसिन लेके गई थी, बिकॉज आई एम बाइपोलर, तो मैं मेरे शो में भी डिप्रेशन के मेडिसिन लेके गई थी। और जो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप अपनी ये मेडिसिन हम आपको रोज रोज नहीं देंगे ताकि आप को मेडिसिन के बगैर भी रहने की आदत हो जाए। एंड देन आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स ऐसा हो गया कि मुझे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हफ्ते में एक बार अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कभी हफ्ते में एक बार मैं मेडिसिन खा रही हूँ, या 2 2 वीक्स रही थी बाद में तो मुझे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट मैं अपने डिप्रेशन के मेडिसिन पे, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज बाइपोलर, इफ यू कुड एक्सप्लेन व्हाट इज बाइपोलर. बाइपोलर, देर आर टाइप्स ऑफ बाइपोलर एंड देर कुड बी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन यू मस्ट बी फेसिंग। तो मेरा जो डिप्रेशन था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डिप्रेशन था, जिसमें मेरे फोरहेड पे इधर ऐसे स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा, और उस डिप्रेशन में मुझे खुद को ही पता नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है। मतलब मेरे साथ बहुत सीरियस सिचुएशन है और मैं उस सिचुएशन पे हंस रही हूँ, एंड देन 3 4 सेकेंड्स बाद ही आई स्टार्ट क्राइंग पागलों की तरह। तुम मुझसे कुछ बात कर रही हो, मैं ब्लैंक आउट हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बट मैं हाँ कर रही हूँ, और फिर देन यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड देन आई एम लाइक क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे,
अभी भी कभी कभी होती है, तुम मुझसे कभी कुछ बात बोलोगी फिर मुझे वो कभी कभी याद ही नहीं रहेगा कुछ भी, आज मैं क्या कर रही हूँ, आज क्या हुआ, मुझे वो कल याद नहीं रहेगा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी, और देन फिर मुझे अचानक से सर पे स्वेलिंग हो गया। मुझे पता ही नहीं था मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि मैं ये सब चीज को नॉर्मलाइज करती थी कि ये नॉर्मल है, कि मैं ही पागल हूँ। हम सोचते हैं कि हम ही पागल है, कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं या हम ऐसे कुछ कर रहे हैं। बट जब फिर मैं डॉक्टर के पास गई, देन डॉक्टर ने पूरा चेक करके मुझे बताया कि दिस इज बाइपोलर। तो यू हैव टू गो, लाइक उसके सिम्टम्स क्या क्या है आजमा, लाइक अगर किसी को हो और उसको नहीं पता हो तो वो कैसे जाए डॉक्टर के पास, अगर आप थोड़ा बता दैट्स व्हाट सकते। आई टोल्ड यू कि मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे को मेमोरी लॉस प्रॉब्लम्स होती थी, इमोशन लेस हो जाती थी मैं, कि अगर तुम मेरे सामने रो रही हो आई विल स्टार्ट लाफिंग एंड देन आई विल स्टार्ट क्राइंग एंड देन फिर मेरे को ऐसे अपना खुद का डिप्रेशन होता था कि मैं बाहर लिपस्टिक लगाकर क्यों नहीं आई। मैं पूरा टाइम उसी जोन में टेंशन में रहूंगी कि मैं लिपस्टिक लगाकर क्यों नहीं आई। अलग टाइप का डिप्रेशन होता था वो हर एक चीज से, कि मैंने ग्लास यहाँ से उठा के वहां क्यों नहीं रखा। दैट वॉज अलग टाइप का डिप्रेशन, मुझे खुद को ही नहीं पता था ये कौन सा डिप्रेशन हुआ है मुझे। तो ये एंड रियलिटी देन शो के बाद हुआ था? हर एक चीज, रियलिटी शो के पहले भी मुझे ऐसे था, क्योंकि ओके हम हमारे लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको कौन सा प्रॉब्लम कितना हिट करे सर पे आपको पता नहीं है। बट जब मैं स्पिरिचुअल के बाद आई, कुछ 4-5 महीने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा। मैं वॉशरूम से वॉशरूम भी जाती थी तो, एंड देन जब मैं वापस आती थी फिर मैं सोचती थी कि मैं वॉशरूम क्यों गई। एक अलग मेरा माइंड कहीं और जोन में मतलब पक्की वाली पागल हो गई थी मैं। फिर मेरे सर में स्वेलिंग हो जाती थी, एंड देन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो एक डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि तुमको कुछ सर पर लग गया है। मैंने बोला भाई मुझे कुछ लगा ही नहीं है, मुझे लगा है, मुझे पता होगा ना मुझे क्या लगा है। तो डॉक्टर बोलते हैं नींद वींद में कुछ लग गया होगा या कहीं पे कुछ लग गया होगा, किसी ने काटा होगा। बट वो 1-2 महीने तक और ज्यादा बड़ा होने लगा वो स्वेलिंग, एंड देन डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, यू गॉट बाइपोलर, अगर आप ऐसी टेंशन लेते रहोगे स्वेलिंग से आपका नस वस दब सकता है, एंड देर आर सिम्टम्स दैट आप एकदम वर्स्ट सिचुएशन में फंस सकते हो। देन डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दी, एंड देन फिर मैं ऑलवेज डॉक्टर के पास जाके चेक करती थी, एंड डॉक्टर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि आजमा आप ओवर थिंकिंग मत करो, यू शुड बी हैप्पी, आप हैप्पी रहा करो। अब नाउ हाउ आर यू फीलिंग? नाउ आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एंड पीपल शुड ऑलवेज चेक ऑन देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग कभी कभी आपको पता ही नहीं होता है कि आपको डिप्रेशन है, बट आपको डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको एक डिप्रेशन की बीमारी है, और वो सब नॉर्मलाइज करते हैं कि चलो ठीक है ये सिचुएशन का प्रॉब्लम है या ऐसे कुछ है। लेकिन अगर डिप्रेशन के टाइम पे आपके बॉडी में आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या अगर आप स्प्लिट पर्सनैलिटी फेस कर रहे हो, तो आपको उसी वक्त वो ज्यादा एक्सट्रीम होने से पहले ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, वरना आप मतलब आप बिल्कुल इमोशनलेस हो कि आप खुद को भी हर्ट कर सकते हो। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं बायपोलर होते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि ये कभी दूसरों को हर्ट नहीं करेंगे, ये खुद हर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक बायपोलर्स आर द बेस्ट। सारे जो जो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं सारे बेस्ट है, बिकॉज इनके अंदर सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो जितने भी लोग डिप्रेशन वगैरह सब फेस कर रहे हैं, यू गाइज आर द बेस्ट, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये सारे बाकी के इमोशनलेस लोगों से, एटलीस्ट आपके अंदर कुछ ज्यादा इमोशंस है, आप अच्छे उनसे ज्यादा अच्छे इंसान हो। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट होता है, बस आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दैट्स इट। आई थिंक ओवर थिंकिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आज पता है क्या होता है, हम वेले बैठे होते हैं, हम सोचते रहते हैं, एक चीज को 100 बार सोचेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई थिंक तूने बिल्कुल सही, मेरे को, मेरा एक एक्चुअली फ्रेंड है जिसको ओवर थिंकिंग से बहुत प्रॉब्लम, एक्सट्रीम लेवल पे उसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे ब्रो। सो यू आई कैन रिलेट टू इट सो बैड, लाइक सो आई होप लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, अगर आपको ऐसे कुछ जो भी आसमान ने बताया, आपको ऐसा लगता है कि आप ये आप फील कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर, एंड आई थिंक देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई फील लाइक देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। या यू शुड टेक मेडिकल हेल्प इफ यू नीड इट। आई थिंक हेल्प मांगने से अच्छा कुछ नहीं है, कभी कभी अच्छे से बड़े से आदमी को भी हेल्प की जरूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है।
यस, आई थिंक डॉक्टर्स बेटर होते हैं हेल्प के लिए एंड नॉट ह्यूमंस आल्सो, कि ये लोग ऐसे होते हैं जो बवाल बना देते हैं आपकी स्टोरीज का. सो आई थिंक डॉक्टर्स आर द बेस्ट फॉर हेल्प. यस फॉर द बेस्ट. यस ओके आजमा, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जब आप आउट हुई थी, जिस दिन आप एलिमिनेट हुई थी स्प्लिट्सविला से, आपको निखिल ने चूज नहीं किया था और अवंतिका को चूज किया था, तो आपको क्या लगता है आपने पिच अच्छी नहीं दी थी इसीलिए आपको सिलेक्ट नहीं किया, और देयर इज अ पर्सनल रीजन बिहाइंड इट? पिच वो छोड़ो, मैं तो सीधा उसको पंच कर देती वहां पे. मैं इतना गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने अवंतिका और मुझ में से चूज नहीं किया था, प्लस उसने अपने कार्ड पे भी मेरा नाम लिखा था निकलने के लिए, तो मैं तब से वैसे ही बहुत गुस्सा हो गई थी. एंड देन जब उसने मुझे और अवंतिका में से चूज नहीं किया, तब तो मैं एक्स्ट्रा ओवर भड़क गई थी. मैं बहुत हैप्पी थी कि वो लोग आइडल मैच नहीं बने. जैसे वो लोग आइडल मैच नहीं बने, मैं उनको बोले जा रही हूँ कि हाँ, तुम लोगों ने मेरा नाम लिखा था ना, अच्छा हुआ तुम लोग आइडल मैच नहीं बने. और फिर क्या हुआ, मैं फिर से फंस गई. फिर मैं ऐसी सिचुएशन में थी, मैंने निखिल को एटीट्यूड में पिच किया था, मुझे याद है, कि अगर तुझे लेना है तो मुझे ले, तेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, तूने जो डैमेज किया है वो तू ठीक कर सकता है, तो मुझे सेव कर ले. तो उसने मुझे नहीं चूज किया, उसने अवंतिका को चूज किया. एंड आई थिंक दैट वाज फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर मैं वहां से उस टाइम पे नहीं निकलती तो मैं मेरे कासल में नहीं जा पाती, विच वाज वाइल्ड विला. तो यप, आपको अवंतिका को चूज किया ये ज्यादा बुरा लगा, कि आपको मतलब चूज नहीं किया कि ये ज्यादा बुरा लगा? अवंतिका के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं? मैं मुझे एक्चुअली अवंतिका या फिर कोई भी जितनी भी लड़कियां थी, मैं सबसे अपने आप को सुपीरियर समझती हूँ. जहां पे भी मैं जाती हूँ, मैं वहां पे अपने आप को सबसे बेस्ट समझती हूँ, और वो कॉन्फिडेंस जब मैं कैरी करती हूँ तभी मैं आगे कुछ कर पाती हूँ. मैं जल्दी से दबने वालों में से नहीं हूँ. तो जब मुझे निखिल ने चूज भी नहीं किया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चलो एटलीस्ट लोगों ने पूरे जर्नी में जो नहीं किया वो मैंने 4 दिन में वहां पे कर दिया, और उसके बाद वायलविला में जाके इतना कुछ किया. फिर आधे से ज्यादा लोग तो गायब ही है, और बाकी तो सब लोगों को ही पता है. मुझे, मैं क्या ही बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद की तारीफ खुद करना. मैं कर रही हूँ तेरी तारीफ, डोंट वरी, मैं आई एम देयर विद यू, आई एम देयर. ठीक है, यस. ओके आजमा, तू स्प्लिट्सविला 13 में किसको डिजर्विंग विनर समझ, हु डू यू थिंक इज द डिजर्विंग विनर ऑफ दैट सीजन? एक्चुअली दैट इज आजम फॉर लाइफ, यू नो. आजमा फल्ला आई डेफिनेटली नो, बट आपको छोड़ के मुझे छोड़ के वो, मैं तो ऐसे ही जोन में थी जब मैं निकल गई. मैंने बोला अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जीतो कोई भी हारो, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है. एंड आई थिंक पिछला सीजन 13 में कोई डिजर्विंग था ही नहीं जीतने के काबिल, कोई था ही नहीं, नो बड़ी, इफ आई कैन से दिस. नाउ आई वांट ओके, टू नो योर रिलेशनशिप विद अवंतिका, कैट और ये आरुषि छिब्बर, ऑल ऑफ दीज पीपल. आई वांट टू नो योर मैं रिलेशनशिप. इनको जानती नहीं हूँ, मैं इनको नहीं जानती हूँ. शो में मैं इनको जानती थी, शो के बाद में किसी को भी नहीं जानती हूँ, लाइक पर्सनली नहीं जानती हूँ डन एंड डस्टेड किसी. है सीन, डन एंड डस्टेड है. कभी कभी फोटो देख के, यू नो, कभी कभी अवंतिका को, आई फॉलो अवंतिका, शी वॉज अ नाइस गर्ल, तो आई फॉलो अवंतिका, दैट्स इट. बट आई डोंट नो हर, मैं नहीं जानती उसको. नाउ एक और क्वेश्चन है कि, और कैट, कैट का तो बोला ही नहीं आपने कुछ. कैट, डू यू मैं थिंक? उसको भी नहीं जानती हूँ कौन है वो. मैं ओके नहीं जानती, आई स्वेयर. नाउ समृद्धि निकी ने आपको बहुत अब्यूज किया था, एंड दे आल्सो सेड दैट शी इज डूइंग इट फॉर टीआरपी, फुटेज के लिए कर रही है जो भी कर रही है. तेरा क्या बोलना है उसके बारे में, लाइक जो तेरे को बोला गया? अब तू अगर देखती है वो चीज, तो हाउ इज योर रिएक्शन लाइक? तो मैं अभी देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो सारी चीजें फुटेज के लिए कर रही थी, तो ये लोग जैसे पार्टनर स्विच करते हैं, वो ये लोग फुटेज के लिए नहीं करते थे, वो उनकी असलियत थी. वो मुझे बाद में समझ में आया कि चलो मैं फुटेज के लिए करती हूँ, और ये लोग जो 10 लड़के स्विच करते रहते हैं, ये लोग फुटेज के लिए नहीं करते, ये लोग ऐसे ही है. तो मैं फुटेज के लिए करती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे ही है ना, तो इनकी असलियत भी तो सबको पता है, तो अरे मैं वाह. इनके साथ मतलब बहस ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये ओके, लोग मेरे से 10 कदम आगे है. सच में किस मामले में 10 कदम आगे? इनको फुटेज लेने की जरूरत नहीं है, ये हाँ लोग ऐसे ही खुद को जलील करके ये लोग आगे बढ़ते जा रहे. हाँ ओके ओके. का और केविन के साथ कैसा रिश्ता है? केविन के साथ मैं उसको भी नहीं जानती. जानना चाहोगे? नहीं, नहीं. इज नॉट माय टाइप.
इज नॉट योर टाइम। अब आजमा मुझे एक बात बता, तूने वो चीज बोली थी कि मुझे प्यार में बर्बाद होना है, जो कि आई थिंक हाँ बहुत आइकॉनिक था और बहुत ही सही था। वो रेफरेंस आई कहाँ से? मतलब तूने ऑन द स्पॉट बोल दिया प्यार में बर्बाद होना है, वो मतलब मैंने ऑन द स्पॉट बोल दिया, क्योंकि उससे पहले मैं बर्बाद हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इतनी बर्बाद हो गई तो दोबारा बर्बाद होने चाहती हूँ मैं, कि बर्बाद इन द सेंस कि मैं कुछ बर्बाद मतलब समझ लो वेस्ट, हाँ, वेस्ट। आपने तेरे इतनी मेहनत की और एट द एंड सब कुछ वेस्ट हो गया। हिसाब से प्यार क्या है? लाइक डू यू थिंक लाइक व्हाट इज लव फॉर यू आसमा? लव आई डोंट नो, जब आप किसी को प्यार, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों से होता है, लाइक अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो दोस्ती वाला प्यार होता है, जब आप लड़के से अट्रैक्टेड होते हो तो वो डिफरेंट वाला प्यार होता है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ लव। अगर हम लड़के वाला बात करेंगे, लड़के वाला प्यार क्या होता है मेरे लिए, तो आई थिंक मैं तो सबसे बड़ी सी ही हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं जिससे मैंने प्यार किया था उसको मैं अपने से भी ज्यादा प्यार किया था। वो मुझे अगर बोलेगा उठ तो मैं उठूंगी, बैठ तो बैठूंगी, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह सब गवा के अपना 100% देखे, जब आप लास्ट में आपको कचरे की तरह फेंक दिया जाता है तो उसको बर्बाद कहते हैं, कि आप बर्बाद हो गए हो, आप किसी काम काज के नहीं रहे, दैट इज बर्बाद एंड दैट इज लव। टू वाओ, नाइसली गिव एक्सप्लेन। तेरा योर 100% एंड देन फिर आप यू आर इन द ट्रैश। ब्रेकअप क्यों हुआ था, अगर तू बताना चाहेगी ऑडियंस को, कभी क्या किया लड़के ने तेरे साथ ऐसा? नहीं, उसने शादी कर दी किसी और से तेरे साथ हो आफ्टर गई? 8 साल, हाँ 8 साल के रिलेशनशिप के बाद उसने किसी और से शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं था, मुझे उसने बोला 1 महीने के लिए मैं गांव जा रहा हूँ, और मैंने सोचा सच में उधर विलेज में नेटवर्क नहीं होता है वगैरह। एंड देन 1 महीने के बाद हमको ऐसे चुल मचती है ना, हम फैमिली को स्टॉक करते, फॉर हाँ एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसकी बहन होगी या भाई होगा, तुम कभी ना कभी तो उसको स्टॉक करोगी कि इसकी बहन क्या कर रही है, इसकी बहन किधर है, भाई किधर है। तो वैसे वैसे वाले इसमें मुझे 10-15 दिन बाद बहुत याद आने लगी, तो मैंने उसका इंस्टा देखा, तो वहां मैंने देखा उसके भाई के इंस्टा पे उसकी शादी की फोटो, यू नो वो ऐसे आता है दिस पर्सन वेड्स दिस पर्सन। और मैं, मेरा वहीं पे मेरा होश वोश सब उड़ गए, मैं उसी टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी, समझ लो मैं मरने वाली हो गई थी। मैं ना पानी पी पा रही थी, ना खाना पी खा पा रही थी, मैं ऐसे शिवर कर रही थी एकदम खतरनाक वाला, मतलब मैं बात भी करना गर्मी में वो ठंडी वाला एहसास, दांत भी मेरे ऐसे शिवर कर रहे थे, तो मैं पूरी फ्रीज हो गई थी उस टाइम, पता नहीं मुझे क्या हो गया तो तूने हील कर लिया? था। ऑफ कोर्स, बट वो नहीं हील कर पाया। उसकी शादी के बाद उसको एहसास हुआ कि आई वाज द बेस्ट। और आपको जब कोई प्यार करता है तो जरूरी नहीं है तुम्हारी तरह प्यार उसको कोई और लड़की भी करेगी, सबका नेचर डिफरेंट होता है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। ये लड़के भूल जाते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे इतना प्यार करती है तो मेरी वाली भी मुझे, अभी जो न्यू बनी है वो भी मुझे इतना ही प्यार करी, उतनी ही रिस्पेक्ट देगी, या वो मेरे लिए वैसी सारी चीजें करेगी। ऐसे नहीं होता है, जो आपको प्यार करता है उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फिर जब वो मूव ऑन हो जाते फिर वो आपके हाथ में नहीं आते, और ना फिर वो आपके लिए वैसी चीजें दोबारा करेंगे। कोई अब कोई है जिससे प्यार है? अभी तो मैं ऐसी हो गई, मुझे हर दूसरे दिन प्यार हो जाता है। यार भव्या, इसका कुछ इलाज बता मुझे, मैं क्या करूँ? ये हैंडसम लड़का देख के ना मैं वैसे ही पागल हो जाती हूँ, मेरे राल कुत्ते की तरह मेरे राल टपकने लग जाती है। अरे आप तो स्पिरिचुअल 15 में थी, अब आ तो एक से एक बढ़ के हॉट लड़का है। नहीं एक्चुअली मैं माल वाल देख के पटती हूँ, ऐसे ही नहीं, मेरे सामने कोई लैम्बोर्गिनी फरारी लेके आएगा तभी मेरी राल टपकती है, और प्लस हैंडसम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है फरारी में कोई 60-70 साल का बुड्ढा आ रहा है वो नीचे बाहर, नहीं उसका बेटा चलेगा मुझे, लेकिन फरारी विद हैंडसम बॉय तभी। You got it. You got it. मैं पटवाऊंगी, आई विल दस बी, पंद्रह लाख कैश मैं अगर मैंने कर दिखाया तो मैं ऐसा लड़का ले थे लाइफ में तो। मैं मतलब मैं, तुमको याद है एक वो थी राधे माँ, हाँ सब उसके पुजारी, मतलब उसको एक वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं तुमको अपनी माँ बना लूंगी डन। भव्या माँ। इसको ऑफ कैमरा बात करते हैं, ठीक है? ओके। डन। आपका आपको लगता है अगर आजमा आप टिकते हैं स्पिरिचुअल के अंदर, तो आपको लोगों को ये लगता है कि शिवम और आप एक बहुत अच्छा पेयर बना सकते हैं, लिटरली लोगों को लगता है हाँ, आप? क्योंकि शिवम भी मेरी तरह थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करता है और मैं भी ओवर एक्टिंग करती हूँ, और ये हम लोग करते नहीं है, हमारी पर्सनालिटी है ओवर, हमारी पर्सनालिटी ओवर है,
तो हम दोनों जितना ओवर करते हैं तो आई थिंक हम ही आइडल मैच होते 100%। और हम शो में रहते तो शो प्यार वाला शो नहीं, कॉमेडी शो ज्यादा हो जाता, तो इट वाज बेटर कि मैं पहले निकल गई। बट इट्स सो ट्रू, तू और शिवम पता है लिटरली यू गाइज आर ट्विन सिस्टर्स ब्रदर्स वट एवर, लाइक तुम लोग हाँ ब्रो, यू गाइज आर लिटरली ट्विन्स। आई नो बोथ ऑफ देम एंड आई फील लाइक भाई लिटरली कुछ तो है, कभी तो जो तुम खो गए थे तुम मेले में ही खो बेब्स। शिवम मुझे बोलता है अगर मैं लड़का होती तो मैं आजमा फल्ला होती, और मैं बोलती हूँ मैं लड़का होती तो मैं शिवम शर्मा हम होती। शर्मा बस हमारा जेंडर डिफरेंस है। अब तो शिवम की शादी हो गई बट अच्छा मेरे को तो बहुत दुख। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी वांट टू नो दैट आप जब लॉकअप में गई थी तो आपने कभी सोचा था कि आप शो जी आप आई नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे पता है कि तुझे जीतना ही था शो, बट यू डिड नॉट विन दैट शो और आप बहुत आगे तक गए थे। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या कमी रहेगी आजमा? आई थिंक मुझे लॉकअप में सेकंड हाईएस्ट वोट्स आए थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं शो के एंड तक पहुंच गई थी तो अंजलि अरोरा को भी अच्छे वोट्स आ रहे थे और मुझे भी अच्छे वोट्स आ रहे थे, बट अंजलि अरोरा और मुनव्वर का थोड़ा पंगा हो गया था एंड तक, तो अंजलि को कम वोट्स आने लगे थे और लोगों ने सोचा था कि मुनव्वर और आजमा को टॉप 1 और टॉप 2 पे पहुंचाना है। उस वोटिंग केस में मुझे पूरे जर्नी में ऐसा लगता है कि अगर मुनव्वर नहीं होता तो आई थिंक लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, मैं कैसी हूँ, मैं मस्ती करती हूँ, मैं सही चीजों के लिए स्टैंड लेती हूँ जो लोग नहीं करते। कुछ लोग अपने फ्रेंडशिप में अपने दोस्त गलत भी हो तो उसका साथ देते हैं, बट मैं वैसे नहीं। अगर मेरा कोई दोस्त गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मैं वहां पे स्टैंड लेती थी, मैंने बहुत कुछ दिया शो को। और एंड पे मुझे यही लगता है कि बस मुनव्वर का जो फैन बेस था वो ज्यादा था, वही उसको जिता दिया, दैट्स इट। वरना वरना तेरा पूरा चांस था। इवन पर मैं एफर्ट्स मेरे सबसे ज्यादा थे, जितना मैंने ड्रामा शो को दिया है, जितना कंट्रोवर्सी मेरी इतनी बड़ी बड़ी हुई है शो में, मैंने एक बंदा भी आउट कर दिया था अपने टैलेंट से, और मैंने बहुत कुछ किया, बिकॉज़ इट वाज अ बैड एस जेल एंड आई थिंक आई वाज द बैडेस्ट। कंटेस्टेंट यस तुम्हारे शो पे जैसे तू बोलती है कि तू स्टैंड लेती है चाहे वो तुम्हारे दोस्त ही हो, पर अगर वो कुछ गलत करे तू स्टैंड लेती है, जैसे तूने अभी बोला। तो हाँ पूनम पांडे ने जब सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस करी थी आसमा, ठीक है, आपने उसके बारे में भी स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे जो हाँ, मैं कि तो लाइव देखी। हाँ तू शिवम के साथ लाइव गई थी और तूने बोला था। सो आपको क्या लगता है अवेयरनेस ऐसे फैलानी चाहिए कि नहीं फैलानी चाहिए? आई वांट टू नो योर ओपिनियन। अरे ये कौन सी अवेयरनेस है फैलानी, जो आप नाटक करोगे, मैं बोलूंगी आज मैं डेंगू से मर गई, मैं पोस्ट डाल रही हूँ कि मैं डेंगू से मर गई, तो ये डेंगू की अवेयरनेस फैला रही हूँ क्या मैं? ये कौन से टाइप का अवेयरनेस है भाई? लोग, मेरी आंटी की डेथ हुई है कैंसर की वजह से और वो वापस कभी जिंदा नहीं हुए, वो पूनम पांडे की तरह बोलकर नहीं आए, गाइस आई एम पूनम पांडे एंड आई एम अलाइव। ऐसे हम लोगों ने जिनको खोया है वो आए नहीं है वापस इसकी जैसे, तो वो सारी चीजें बहुत इफेक्ट करती है। मुझे लगता है कि पूनम पांडे सबसे बड़ा घटिया कमेंट, सॉरी कमेंट बोल रही हूँ, घटिया मेरी इंग्लिश थोड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है कभी कभी, कुछ घटिया स्टेप उठाया ये करने से। आई थिंक उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त खो दिए होंगे इसी के साथ साथ, क्योंकि हम लोग सब रो रहे थे। हाँ आप दोस्त हैं उनकी ऑफ कोर्स, दोस्तों पर पूनम आप पांडे से मैं बात करती रहती थी, ऑलवेज ऑन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, आई यूज टू चेक ऑन हर, लाइक महीने में एक बार तो हम लोग हाय हेलो तो करते ही थे, बट तो जब ये ये मर गई हुआ, तो मेरे साथ भाई। जब ये सब हुआ तो उसके बाद आप वैसी फ्रेंडशिप में हो कि नहीं हो, लाइक व्हाट इज दैट जब वो अलाइव नहीं, हो मैंने बात नहीं किया भाई, वो जब मर गई तो मैं इंस्टा पे मैसेज की जा रही थी उसको कि हुज हैंडलिंग द इंस्टाग्राम, प्लीज बताओ मुझे पूनम सच्ची में ये हुआ है क्या, वो हुआ है क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको कॉल कर रही हूँ उसका कॉल नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि कोई उसको उसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा या कुछ बोलेगा तूने सही किया या गलत किया है? सारी दुनिया तो उसे वैसे गालियां दे रही थी। तो मैंने शिवम की भी स्टोरीज देखी थी एंड आपकी भी देखी थी और मुझे ऐसा लगा कि यू आर क्लोज टू हर, आप रहे हो साथ में एक हाँ जेल में और सडनली आपका कोई कंटेस्टेंट चाहे आप उससे बात भी ना करते हो ऐसी कोई खबर आए तो ये इफेक्ट करती है। तो आई थिंक दूसरे लोग भी बहुत इफेक्ट हुए थे, तो ये पब्लिसिटी स्टंट था आपको लगता है? ऑफ कोर्स पब्लिसिटी स्टंट था, और वो जैसे उसने बोला है कि मैंने फ्री में प्रमोशन किया, वो बोल रही थी मैंने इसके 1 रुपया चार्ज नहीं किया है, तो ऐसी घटिया हरकतें वो फ्री में ही कर सकती है। ओके
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुन्नावर जब बिग बॉस में थे और उन पर बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी, जो कि लड़कियां उठा रही थी, वो आपको पता है किस लिए, तो आपने उनका बहुत स्टैंड लिया। आई सॉ योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड आई सॉ योर रील्स ऑल्सो विच वर गोइंग वेरी वायरल। आपने बोला कि नहीं, मुन्नावर ऐसा नहीं है, ये कैसी लड़कियां हैं, ये वो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है इक्वेशन मुन्नावर के साथ अब, और वो आप क्यों कर रही थी, आपको इफेक्ट क्या, ट्रिगर क्या कर रहा था आपको। मुनव्वर और मैं अभी भी मुनव्वर से बात करती रहती हूँ यार, बहुत अच्छा है वो। अभी मैं उसे मेरे शो पे मिली भी दोबारा, अच्छा बॉन्ड है हमारा और मैं उसकी बहुत केयर भी करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे प्यार हो जाता है आज आज के टाइम में, हर एक हैंडसम लड़का देखे तो मैं पिघल जाती हूँ। तो भाई हम लोग इंसान है और हमारी भी फीलिंग्स होती है, हम भी खूबसूरत और अच्छी चीजों को देख के थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, इस सब का ही होता है। और ये लड़कियां जो है ना, ये जो फेमस होने की कोशिश करती रहती है, ये लोगों को लगता है ये रील बना के नाच गा के ये फेमस हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। ये लोगों को लाइक्स और कमेंट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, बट इनको वो इंडस्ट्री में इज्जत नहीं मिलती। तो ये लोग क्या करती है, इंडस्ट्री का बंदा पकड़ती है जो ऑलरेडी मतलब टॉप पे चल रहा हो लाइक मुनव्वर, फिर उसको पकड़ के उसका मिस यूज करती है। चलो आपने उसका यूज भी कर लिया या मुनव्वर ने आपका यूज कर लिया, आप इतने बड़े शो पे आके ऐसे खुद को जलील कैसे कर सकते हो ये बोल के किस बंदे ने मुझे यूज किया। मुझे तो यही समझ नहीं आता। अब आयशा की हाँ बात मैं आयशा की बात कर रही हूँ कि वो इतने बड़े शो पे आके वो ये कैसे बोल सकती है किसने मुझे यूज किया। और फिर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी या पता नहीं जो भी थी, वो अलग बजे जा रही है किसने मुझे चीट किया या ये किया या वो किया। मतलब ये एक बहुत फनी सीन था मुनव्वर के, एक तो बैंड बजी गई थी हर एक तरीके से और पीछे से इसकी दो तीन और निकल आ गई। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, बट मैंने मुनव्वर का स्टैंड ये चीज बोल कर लिया कि इट इज ओके अगर वो एक पटा रहा है दो पटा रहा है, या ये दिस इज द टाइम ऑफ ये हुकअप्स का टाइम चल रहा है, फ्लिंग्स का टाइम चल रहा है, सो इट इज ऑल ओके। ओके, तो यू नो, बट अगर तू लाइक, अगर मेरे को ऐसा लगता है, अगर कोई रिलेशनशिप में है तब आप मत घुमाओ किसी को भी, बट अगर आप सिंगल हो तो आप लाइक यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट। देर आर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, आपको पता होना चाहिए कि अगर इफ आई टेल यू दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ यू एंड देन मैं आपको उतना प्यार नहीं दे रही हूँ, उतना अटेंशन नहीं दे रही हूँ, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन एल्स हु इज गिविंग यू दैट अटेंशन एंड लव। यस दिस हैपेंस एंड देन फिर अगर आपने स्विच कर लिया तो देन फिर आपको लोग बोलेंगे कि यू डिड दिस, आपने चीट किया या ये किया। बट आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि जो आपका पार्टनर है वो आपको कितना प्यार और रिस्पेक्ट दे रहा है, शायद उसके रिलेशनशिप में मिसिंग होगा वो चीज़। तो ये डिड दैट नाउ आसमा, ईशान सॉरी जीशान ने आपको बहुत फिजिकल वायलेंस किया था और पायल रोहतगी ने आपका स्टैंड लिया था। आई वांट टू नो अबाउट दैट फिजिकल वायलेंस जो आपके साथ उसने लॉकअप में किया था, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट इट। यस मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ था, वो भी एक बार नहीं बहुत बार जीशान ने किया था। अपना मेल पावर उसने मुझ पे यूज किया था, धक्के वक्के मारे थे एंड मेरी बॉडी इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसको ऐसे हटा भी सकती थी, मेरा हाथ ऐसे ही दबा रह गया क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा था मेरे ऊपर। फिर उसने झाड़ू से मेरे आंखों में वो झाड़ू डाल दिया था कि मुझे इधर जख्म हो गया था, मुझे डॉक्टर आके बार बार मेडिसिन देते थे, मैं मेडिसिन लगाती रहती थी अपने उस पे आईलिड्स पे, तो वो बहुत ज्यादा डेंजर था। उसके बाद जब मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ, मैं पूरी की पूरी उस टाइम पे टूट चुकी थी क्योंकि ऐसा मार मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया था। मुझे मेरे माँ बाप ने इस तरीके से कभी मारा नहीं है, बचपन में मैंने चप्पल वप्पल से मार खाई है बट ऐसे कभी किसी ने ह्यूमिलेट नहीं किया कि झाड़ू आपके मुंह पे कोई वो मार देता है ऐसा। तो कभी मतलब गुस्से में हमारे माँ बाप हमको झाड़ू वाड़ू से मार देते हैं, झाड़ू उल्टी करके ऐसे वैसे यू नो चप्पल वप्पल से, दैट इज ऑल नॉर्मल, बट ऐसे झाड़ू मुंह पे मारना वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया और ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है किसी लड़की के साथ। फिर भी मैंने उस टाइम पे वुमेन कार्ड नहीं खेला, मैं रुकी, मुझे पता था कि ये बंदा जा रहा है। बट उस टाइम पे क्या हुआ, रात के 1 बज गए 2 बज गए, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। मैं 2-3 बजे तक रोई जा रही हूँ कि आई वॉन्ट एक्शन आई वॉन्ट एक्शन आई वॉन्ट एक्शन। अचानक से 4:30 बजे रात को फिर करण कुंद्रा ने आके उसको खींच के बाहर निकाला, तब मेरे जान में जान आई, मेरे सांस में सांस आई। वरना मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बंदे को इतना पावर मिला है कि ये मुझे झाड़ू से मेरे आंख पे मार रहा है, मेरे आंख से खून आ रहा है, मेरे आंखों में प्रोटीन पाउडर चला गया है, मेरी आंखें खराब हो चुकी है, मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, मेरा गद्दा खराब हो चुका है, मेरा सब कुछ खराब हो चुका है,
मतलब मुझे सोने को जगह नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे कपड़े उसने छत पे फेंक दिए थे। डिड यू सी दैट? मेरे इनरवेयर्स उसने हाँ छत पे फेंक दिए थे। हाँ, कि मैं मतलब वो चाहता था कि मैं लॉकअप में क्या नंगी घूमू, मेरे कपड़े फाड़ के, मेरे सारे चीजें फाड़ के, मुझे एकदम वैसे करके, मतलब उसकी मेंटालिटी में समझ रही थी कि ये चाहता है कि मैं, ये मुझे मारे और फिर मैं लॉकअप में नंगी घूमू, मेरे पास कपड़े ना हो, मेरे साथ कुछ भी ना हो, मेकअप ना हो। मेरा उसने 3 लाख रुपए का मेकअप तोड़ दिया जो मैं 3 महीने का स्टॉक लेके गई थी, क्योंकि आपको पता ही, आप एक रियलिटी शो में जाते हो, आपको कितना मेकअप करना पड़ता है, रोज रोज आपको मेकअप करना पड़ता है। तो मैं 3 महीने का स्टॉक लेके गई थी, इतना बाहर से ब्रांड्स लेकर आई हूँ, वो सारे ब्रांड्स उसने मेरे तोड़ दिए। मैं तो सदमे में चली गई, मैंने बोला अभी कौन जाएगा यूएसए, कौन मंगाएगा मेरा ये सारा मेकअप का प्रोडक्ट। तो मैं एक अलग ही उसमें जोन में चली गई थी, रो रही थी और फिजिकल वायलेंस, और मुझे लगा कि शायद ये लोग अभी कुछ नहीं एक्शन लेंगे, बट मैं एक्शन मांग रही थी कि मुझे एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। एंड 4:30 बजे फिर करण कुंद्रा आया एंड ही सेड कि आपने जो किया है वो वुमेन्स सपोर्ट नहीं कर रही है, हमने ट्राई किया कि हम आपको फॉरगिव करें, बट बाहर के लोग आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। और उसी टाइम पे मेरी फैमिली ने भी शो वालों पे बहुत प्रेशर डाला था, जो मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं इस बारे में बात भी कर रही हूँ तो मुझे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये चीजें, मैं इतना ज्यादा डर गई थी उस टाइम पे। रियलिटी शोज में वायलेंस होता है, आई एम श्योर यू डोंट सपोर्ट दैट, ठीक है, बट डोंट सपोर्ट, या यू बट यू थिंक कि रियलिटी शोज में अगर किसी ने किसी को थप्पड़ भी मार दिया या किसी को कंधे से धक्का भी दे दिया, तेरे को लगता है उनको उसी वक्त निकाल देना चाहिए बाहर? तेरे को डू यू थिंक दैट वे? यस ऑफ कोर्स निकाल देना चाहिए। और जीशान के साथ जो हुआ, मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ, उसको शो से निकाला भी, और उसको शो में जो आने के लिए पैसे दिए थे वो उसको मिले भी नहीं, उसको भिखारी की तरह शो में बुलाया गया, और भिखारी की तरह जो वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि आई रियली नीड दिस अपॉर्चुनिटी, रियली नीड दिस अपॉर्चुनिटी, जो वो हमारे पास चार्जशीट के टाइम पे रोता था आके कि मुझे बचाओ, सेव मी सेव मी सेव मी, उसको शो में रहने का उसको था कि मेरे को वीकली पेमेंट्स मिले, उसको एक भी हफ्ते की पेमेंट नहीं मिली। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, और उसको शो से भी निकाल दिया। इंसाफ इंसाफ होता है बेबी, यस, क्योंकि उसने शो के रूल्स ब्रेक किए, उसने मुझे मेरे साथ फिजिकल वायलेंस किया, मेंटल हेल्थ जो भी था वो खराब, आउट हो गया। हाँ, मेंटल हेल्थ खराब की, उसके ऊपर मैं एक्शन ले सकती थी, उसके ऊपर केस कर सकती थी, बट लॉकअप मेरे लिए इट वॉज लाइक खुदा, मुझे इतना बड़ा चीज प्लेटफॉर्म मिल गया। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते, इसके साथ शो वालों ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, मुझे क्या लेने की जरूरत है। यू वेरी स्ट्रॉन्ग आसमा, पता है लोगों को बस एक आसमा दिखती है जो कि हंसती फुलती रहती है, चुलबुली सी है, बट आई फील लाइक यू आर वेरी थैंक स्ट्रॉन्ग, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विमन, द वे यू हैव डेल्ट विद। यू। जिसके साथ फिजिकल वायलेंस होता है, तुम्हारे साथ कभी हुआ है या नहीं हुआ है मुझे पता नहीं है, बट जब आपके साथ फिजिकल वायलेंस होता है, आपको जब सामने वाले की पावर फील होती है कि ये बंदा मेरे साथ इतना प्रेशर यूज कर रहा है और मैं इसके साथ फाइट बैक नहीं कर सकती, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसको घुमा के 3-4 थप्पड़ अप्पड़ भी मार देती, जैसे अंजलि अरोरा थी, उसके साथ भी मेरी छीना झपटी हो गई। बट जब हम किसी आदमी के साथ लड़ते हैं, हमको पता होता है कि हम इधर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हमारा मुंडी उंडी ये मार वार देगा, जान वान से निकाल देगा, आंख वाक तोड़ देगा, कुछ भी तोड़ देगा, हम लोगों को लूला लंगड़ा बना देगा, भाई इससे नहीं लड़ सकते, हमको फील होता है वो, और फिर हम रोने लग जाते हैं, फिर हम वो एग्रेशन नहीं दिखाते। मेरे को लगता है मेरे साथ हुआ है, तब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब एक लड़का आपको मार रहा होता है ना, तो क्या होता है ना, आप उस वक्त चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो ना, आपको वो सिचुएशन काम डाउन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आप नहीं लड़ पाओगे, यू माइट हैव नहीं लड़, डाउट बट आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। एक आदमी से लड़ने के लिए आदमी पागल हो जाता है भाई जब वो लड़ते हैं, तो मेरे को पता है ना, तो वो मैं अगर कोई लड़की ये देख रही है तो मुझे ऐसा लगता है कोई आदमी अगर आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो शांति बनाओ, जितना आप उसको काम डाउन करोगे वो उतना ही। आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई कैन गिव यू इन अ पर्सनल ओपिनियन, मेरे को साथ तो बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लेवल। आई वॉज डेटिंग अ गाय, व्हाट हिट मी ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे ब्रो। भाई, यस, आई हैव, बिकॉज यू सेड इट, या एंड आई वाज स्टिल देयर विद हिम, बिकॉज तूने क्या बोला ना, प्यार वो होता है जब आप अपने आप से ज्यादा किसी को प्यार करो, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब चला जाता है, तो आई थिंक आई हैव बीन देयर। एंड मुझे, मैं हमेशा ना, लोग मुझे कहते थे भव्या तू लेडी डॉन है, तू कैसे डर रही है, तू कैसे डर रही है, बट मैं हमेशा ना शांत हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं लड़ पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। हाँ
सो आई रिलेट टू योर स्टोरी. मैं कभी बोलती नहीं, बट क्योंकि तूने इतना बोला, मतलब आई फेल्ट लाइक आई हैव टू गिव हर सम मॉरल सपोर्ट. मेरे को थोड़ा तो उसको, आई जस्ट लव यू मैन, यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. यू हैव फेस दिस, यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. और मैं यही बोलूंगी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप और या करंट रिलेशनशिप में कभी भी तुम ऐसी प्रॉब्लम फेस करो, व्हाट यू डू इज बैक ऑफ फ्रॉम सच रिलेशनशिप, क्योंकि दिस इज नेवर एंडिंग. अगर किसी ने आपके आपके ऊपर एक बार हाथ उठा लिया, वो लाइफ टाइम आपके ऊपर हाथ उठा सकता है. चाहे फिर वो 1 महीने के लिए सुधरा हो, 2 महीने के लिए, साल में एक बार, तो उसका कभी ना कभी वो एंगर आएगा ही एक ना एक दिन बाहर, और फिर वो आपको मार सकता है. कि जब भी आप लोग फेस करो कि आपको कोई हाथ उठा रहा है आपके ऊपर, आप बैक ऑफ करो, क्योंकि आपकी जान से प्यारा, आपकी बॉडी से प्यारा कुछ नहीं हो सकता. आई कैन टेल यू, पता है एक बार रिलेशनशिप में हाथ उठ गया ना ब्रो, दैट्स अ रेड फ्लैग, वॉक आउट. आई जस्ट फील लाइक एक बार हाथ नहीं, उठ गया तो मतलब वो उठेगा, वो आप रोक नहीं पाओगे, चाहे वो कितनी भी सॉरी मांग लेना, कुछ नहीं होता. यस, ओके. अब एक और वायलेंस हुआ था जिसके अंदर अभी मेरे ना चैनल पे भूमिका आई थी, ठीक है. तो भूमिका ने हाँ मेंशन किया था कि आप ना उस पे बेड पे डांस कर रही थी और पलक और निकी ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया था, और फिर भूमिका का गला भी पकड़ लिया था किसी ने, उसने कुछ तो ऐसा मेंशन किया था, आपका नाम भी मेंशन हुआ था उसके अंदर. कि तो जब मैं पलक पे बेड पे चढ़ रही थी तो हाँ. मुझे रूम से बाहर निकाल दिया था भूमिका ने मेरे ऊपर. वो ऐसी, जैसे मैंने कहा, आदमियों का प्रेशर अलग होता है, तो उस टाइम पे उसका जो प्रेशर था वो भी आदमियों की तरह ही था, क्योंकि वो मुझे बहुत मैनली लगती थी उस टाइम पे. वो मैंने उसको शो में भी बोला था, दैट वाज नॉट काइंड ऑफ एनी शेमिंग और समथिंग. तो मुझे वो वैसे ही उसका प्रेशर लगा और उसने मुझे रूम से बाहर निकाला. उसके बाद उसको कोई रोक नहीं आया, उसका गला दबाया, कुछ दबाया, मुझे पता नहीं है, मैंने, मुझे याद नहीं है किसी ने दबाया होगा या कुछ दबाया होगा. अगर दबाया होता तो टीवी पे आता, मैंने तो नहीं देखा. अच्छा, ओके. अगर तेरा किसी ने शो पे गला, में लोग ये बोलते हैं कि निकी ने आपका गला दबाया है, मेरा गला दबाया है तो फिर मैं तो उसको बहुत कुछ दबा के आ गई होती. क्वेश्चन गाइस डू यार, आई डोंट थिंक सो निकी ने दबाया है, बट एनी विच वेज जो भी आई है. थिंक अगर निकी ने मेरा गला दबाया होता तो मैं उसको बहुत कुछ दबाई होती. फिर लोगों ने ये भी बोला होता कि निकी ने आजमा का गला दबाया, तो आजमा ने निकी का ये दबाया, वो दबाया, सब मतलब ऐसे. फिर एक वो होता, एक स्टोरी होती, वन ओके साइडेड ही होता. ओके आजमा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, आप हमेशा से जितनी भी रियलिटी शोज में गई आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, आपकी गेम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही, आपने कभी डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी से गेम नहीं खेली, आपने एक प्रॉपर रूल किया है सीजन को. मैं जानना चाहती हूँ क्या यही एक रीजन है कि आप कभी शो को जीत नहीं पाए, बिकॉज यू कुड नॉट मेक लाइक कनेक्शन विद एवरीबडी देयर. इट इज नॉट अबाउट मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीबॉडी. शायद मेरा मैं, जैसे मैंने कहा, मैं सीधी नहीं रह सकती हमेशा, और मैं सबके साथ एक अच्छा इक्वेशन नहीं बना सकती हूँ, बट मैं सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाती हूँ. मेरे रियलिटी शो में जितने भी मेरे को कंटेस्टेंट्स रहे हैं, सबके साथ मेरा पंगा हुआ है, सबके साथ मेरा अच्छा शॉट भी हुआ है. एंड यू नो व्हेन पीपल से कि हमारे दुश्मन ज्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं उनके वो दुश्मन वाले कैटेगरी में आती थी कि हमारे दुश्मन बेटर है, क्योंकि ये लोग तो हम मुझे दोस्त दोस्त बोल के हमारी बजाते हैं. एटलीस्ट आजमा मुंह पे खेलती है, तो मैं मुंह पे खेलती थी सबके साथ. तो शायद ये जो ऑडियंस है उनको कभी कभी पसंद नहीं आता है, बट जितना वो मुझे पसंद करते हैं, इतना आगे तक पहुंचाते हैं. बट मेरे अंदर एक क्वालिटी मिसिंग है, जो है लोगों के साथ मैं मैनिपुलेटिव नहीं हूँ. लाइक आई कांट मैनिपुलेट यू. मैं नकली मैनिपुलेट नहीं करती हूँ, मतलब जो मेरे दिल में है वो मेरे दिल में है. मैं वो, लाइक आई कांट प्ले विथ योर माइंड. मैं कैसे सोच ही नहीं सकती कि मैं भव्या का दिमाग कैसे घुमाऊँ कि वो मतलब गेम में मेरे सपोर्ट में आ जाए. मतलब बट आई तुमने मैं बोला ऐसे थोड़ी करती हूँ. था, बट तुमने मेरे को बोला था कॉल पे कि आई विल पुट यू इन द स्पॉट भाविया, आई वांट यू टू आंसर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग यस फॉर इट, आई एम यस ऑफ कोर्स वेटिंग आई विल वेटिंग एट द एंड आई विल, क्योंकि ये ओके. भव्या, मैं जैसे बोल रही हूँ कि ये भव्या जो डॉन बनी है वो कौन सी डॉन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने स्प्लिट्सविला में जो देखा था वो एक अलग डॉन थी. यहाँ पे तो भव्या इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोने लग गई थी यार. तुम एक मतलब इंटरव्यू में जिसके साथ, आई थिंक अर्शिया के साथ कुछ हुआ था तुम्हारा. उस दिन पता क्या हुआ था, उस दिन ना जैसे मैंने तुमको बोला ना, तूने बोला मेरे को कि मैं पतली हो गई तो लोगों ने मुझे, लोगों ने बॉडी शेम किया, तो वो तेरे दिल में रह गया. तो पता है ब्रो, मैंने एक हफ्ते खाना नहीं खाया, मम्मी कसम खा रही हूँ, एक हफ्ते खाना नहीं ओ खाया. पता है उसने कुछ, पता है कभी कभी ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत हेट मिलती है, बट द फैक्ट इज कभी कभी वो रह जाता है ब्रो.
और जब वो रह जाता है ना वो बग करता है ब्रो। और ना पता है उस दिन मैंने उसी के फ्रेंड को कॉल किया था पूछने के लिए कि भाई ये सच में ऐसी है कि इसने मेरे साथ ही ऐसी ट्रीटमेंट किया। उसने बोला ये सबके साथ ऐसी है इसकी बाजू, उसने लिटरली मुझे बोला था। बट तूने किया क्यों नहीं? मुझे तो पता है तुमको उसकी वही मेरे पसंद को आती नहीं थी? ऑल माई फ्रेंड्स टेल मी कि तूने उसकी होती। बट पता है आजमा, पता है मैं लाइफ में एक चीज सीखी है जो मैं तुझे बताऊंगी कि लोग बोलते हैं कि भव्या लेडी डॉन जो है, मैं ना हर जगह रिएक्शन नहीं दूंगी। जहां मुझे जरूरी है ना कि मां नहीं है तो मैं चोगी, जिनकी पहले से हुई है ना उनकी नहीं चोगा है, सिंपल एज दैट। तो तूने बोला बट ना तुमको, आप गटर में हाँ हाथ नहीं डालना, तो आप गटर में हाथ नहीं डालना। राइट, ये भी है, बट मैं तुम्हारा वो वाला साइड मिस करती हूँ कि अगर तुमने उसकी उसी टाइम पे माँ बहने करके वो वीडियो डाल दी होती ना, आई स्वेर हम लोगों को पुरानी बगिया याद आ एक जाती। एक लड़की अभी मेरे से पंगा ले रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं कर दूं कुछ, तो बट अभी मैं मैं तो नहीं। कभी उसको मीठे मीठे में बुलाओ इसमें पॉडकास्ट में उसकी मार लो। तो देखो शी इज आस्किंग फॉर इट। अब मैं क्या करूं, फिर लोग बोलेंगे भवे सच अ बिच, क्या करे, लोग फोर्स करते हैं बिच बनने के लिए ब्रो। एनी विच वेज, आपको मैं जानना चाहती हूँ आजमा, कैट और केविन की आप गुड बुक्स में नहीं थे इसलिए आप आउट हो गए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कैट और केविन ने वो सीजन रूल किया है। अगर कैटन केविन के मैं गुड बुक्स में नहीं रहती तो मैं बाहर आके कुछ करती ही नहीं। कैट और केविन और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कैट और केविन अलग जोन में है, मैं और मैं अलग जोन में हूँ। मैं ये नहीं मानती हूँ कि उन लोगों के गुड बुक्स में नहीं थी इसलिए मैं शो में आगे नहीं गई। वहां से निकल के मैं वाइल्ड विला में गई जहाँ पे मैं 1 महीने तक थी अपने शो में। वो तो पहले निकल गया उसके शो से, मैं तो मेरे शो में एंड तक थी ना। तो आई थिंक उसके गुड बुक्स में रहना वहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिनके गुड बुक्स में मैं हूँ उनके मैं गुड बुक्स में हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आजमा लोग जानना चाहते हैं ये वाला जो आपने सीजन होस्ट किया है, यू आर द इनसाइडर ऑफ दिस यस सीजन, तो होस्टिंग ये में मजा है, इनसाइडर में मजा है, एज अ कंटेस्टेंट मजा है, क्या आपने ज्यादा मिस किया, क्या क्या फीलिंग है अभी? इनसाइडर बनने में मुझे बहुत मजा आया, तो ये तो सच्ची बात है बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं ज्यादा, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, मुझे सुनने की आदत नहीं है, तो मैंने ये एक नई आदत सीखी हूँ। ये तुमने भी सीखा होगा, ये तुम्हारे लिए भी, तुम आई थिंक यू कैन रिलेट। यार हाँ बोलना हम मिस करते हैं कि हमसे भी पूछो। वैन वो मिस होता है कि यार हम इसे, मैं इसे, इसका सुनने जा रही हूँ, सुनने जा रही हूँ, मतलब मुझे सुनने की आदत हो गई है। रोज अ न्यू एक्सपीरियंस, वरना मुझे बोलने की आदत है, गॉसिप देने की आदत है, लेकिन इस बार मुझे गॉसिप लेने की आदत हो गई। लाइक जैसे तुमको अभी न्यू आदत पड़ी है पॉडकास्ट में गॉसिप लेने की, तो मजा आ रहा मैंने है, भी वो आदत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तेरी बातें सुनने में। आई एम श्योर जब मैं ये इसको लाइव करूंगी लोग तो भाई पागल हो जाएंगे, आजवा लोग पागल हो जाएंगे। तो इस बार के सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, थोड़ी बहुत अगर आप हमें। इस बार के सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ ज्यादा लाइक स्पॉयलर्स वॉयलर्स तो नहीं दूंगी, बट या जो एक्स होता है ना वही सबसे बड़ा एक थिंग प्रॉब्लम होता है, तो इस सीजन में हम बहुत सारी प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो एक्स के साथ वापस जाना चाहिए? नहीं एक्स के साथ देखो, मैं तो मानती हूँ कि अगर एक्स के साथ इतने आप बैड टर्म्स में आपका खत्म नहीं हुआ हो या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ हो तो ठीक है, गेट बैक टू योर एक्स। बट अगर उसने बहुत बड़ा कांड किया हो या कुछ किया हो तो यू शुड नॉट गेट बैक टू योर एक्स। आई अग्री। ओके, तो हम मैं चाहती हूं आप इन सब कंटेस्टेंट्स का एक एक वन इंप्रेशन दो आप पे जो पड़ा है, क्योंकि आई नो तेरे इंप्रेशन तो यू विल नो इट ऑल। ओके, तो पहला है युवराज। तो जो फर्स्ट एपिसोड आए हैं उसी के हिसाब से मैं उनका इम्प्रेशन दूंगी। फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से जब मैंने युवराज को देखा तो एक ही वन वर्ड में बताना है ना, हाँ, युवराज इज क्यूट, इज क्यूट। क्यूट। ओके, एडी एडी इज हॉट, हैंडसम इज हॉट। ओके, जसवंत। बॉय। जशवंत बहुत एक्सट्रीमली क्यूट। एक्सट्रीमली क्यूट। दिग्विजय। दिग्विजय तो ही फायर, इंस्पायर। ओके, हर्ष। आई डोंट नो, नो दैट्स आई डोंट नॉट नो।
माय फ्रेंड. आई वॉन्ट टू सी हर्ष हैज अ वेरी गुड बॉडी. आई फील लाइक हर्ष हैज अ वेरी गुड बॉडी, बट पता है आजमा, आई रियली फील लाइक हीज अ वेरी गुड बॉडी. और मुझे सारे लड़कों में से ऐसा लगता है कि आई एम गोना रिटेलिएट, भाई उसकी बॉडी बहुत हॉट है. लाइक लिटरली आई फेल्ट, यार आई स्वेयर ही हैज अ रियली नाइस बॉडी. और जब तुम उसके एब्स देखोगी ना, मैंने तो ऐसे देखे जैसे लग रहा था बिस्किट है, इसको निकाल के मैं डुबा के खा लो. he's I think he's one of my favorite also. Anika, अनिका इज शी इज एलिगेंट. या रुशाली, शाली इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस. drop dead gorgeous but not gorgeous then Asma, hello. आई थिंक मैं सबसे ज्यादा, जब मैं सेट पे जाती थी तो मेरे से ज्यादा सुंदर कोई दिखता ही नहीं था. ये तो बोलना ही था मुझे. मैं आई एम योर चेयरलीडर फॉर द नाइट. मुझे पता है तुझे, वो तुझे लग रहा होगा मैं इतनी तारीफ करूं कैसे अपनी, मैं कर रही हूँ ना ब्रो तेरी तारीफ, तेरी होगी आज. आई उसके बाद आकृति, थिंक सबसे सुंदर ओके आकृति सुंदर है, रुशाली सुंदर है, सबको ही सुंदर बना रही है. अच्छा वो गॉर्जियस है आकृति. ओके सुंदर है. सचिन, हाँ नाइस डांसर. नाइस डांस, शोभिका, रेड हेड. दिवांगिनी, क्यूटनेस का भंडार. नायरा, बॉम, बॉम बॉम भाई वो बॉम अदित मनोजा, है. एवरेज शी एवरेज, उन्नति तोमर इज अ हॉटी. इज अ हॉटी. बट आज तो पता क्या है, मैं ना पुराने सीजन मिस करती हूँ यार. लाइक आई मिस दैट सब्सटेंस. लाइक जो पहले लोग आते थे ना, दे वो ओजीज मैन. लाइक दे यूज टू प्ले लाइक ओके आई एम गोना रूल दिस सीजन, लाइक योर सीजन, माय सीजन, अनुष्का सीजन, आई थिंक राज नंदिनी, लेट्स गो बैक, दिव्या अग्रवाल सीजन. अब तुझे क्या लगता है चेंज क्या हो गया? व्हाई इज पीपल आर ऑडियंस इज नॉट एबल टू रिलेट? तुझे क्या लगता है चेंज क्या हो रहा है? व्हाट इज डिफरेंट इन दिस जनरेशन? बिकॉज ये लोग कौन से पट्टे पढ़ के आते हैं पता नहीं. ये हो गया है, ये लोग पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं. जैसे कि मैं स्प्लिट्सविला में थी तो मुझे जो न्यूज कंटेस्टेंट कोई आ रहा होगा वो मुझे कॉल लगाएगा, हेलो मैं स्प्लिट्सविला की सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं क्या करूँ आज, मैं कुछ आइडिया दे क्या करूँ मैं. फिर मैं उनको बोलूंगी ड्रामा कर, तू जाके पहले दिन ही बातें करना स्टार्ट कर, हर लोगों के बीच में टांग अड़ा, हर जगह के बीच में मुंह घुसा, जो हमारी असली में आदत नहीं होगी. बट ये लोग पढ़ लिख के आते हैं, ये लोग फुल स्टडी करके आ रहे हैं शो में. यही इनका प्रॉब्लम है कि आई असलियत अग्री, पीछे रहती है. आई अग्री. हाँ मेरे को ऐसा लगता है जो हमारे सीजन होते थे, किसी को नहीं पता होता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता था. हाँ लेकिन एंड ऑडियंस यूज टू फील इट कि यार ये तो रियल हो रहा है, पीपल यूज टू रिलेट. अभी भी पता नहीं होता है कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है. बट ये लोग एक्स कंटेस्टेंट्स है, थोड़ा नोट्स लिख के जाते हैं और फिर तो वो ही फॉलो कर. इस बार मुझसे लिए होते एक दो ने तो शायद कुछ इनका हो जाता. बेब्स अरे बहुत कुछ होने वाला है, तो भाई ये सीजन तो देखो बहुत अरे खतरनाक आई एम होने वाला नॉट, है. बट आई एम जस्ट नॉट गेटिंग. आई लव एनिका, एनिका इज माई फ्रेंड. या आई लव एनिका, एनिका इज माई फ्रेंड. आई होप शी इज डन समथिंग ऑन द शो. आई ऑल्सो फील लाइक यू शुड नॉट कॉपी वॉट अदर कंटेस्टेंट्स हैव डन इन द प्रीवियस सीजन. यस आई या फील बट यू लाइक कैन गेट इंस्पायर्ड. या डेफिनेटली एवरी, आई थिंक एवरी थिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है. लाइक तू मेरे साथ आज बात कर रही है तो मेरे को पता है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं कुछ चीजें अच्छी तेरे से सीखूंगी, मेरी ऑडियंस उससे अच्छी सीखेगी. बट आई थिंक हाँ मेरे को जो लगता है अब जो कमी आ रही है वो ये है, जो कि मैं और मेरे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि लाइक डोंट कॉपी अदर पीपल. लाइक देर वॉज वन आजमा, देर इज वन भव्या, देर इज वन अनुष्का मित्रा, आई थिंक शी वॉज अमेजिंग इन हर सीजन, एंड देन देर इज राजनंदिनी. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु किल्ड इट ऑन देयर शोज, राइट? बट आप उनको कॉपी यस yes. करो मत, क्योंकि ऑडियंस पकड़ लेती है. मुझे लगता है आप ऑडियंस का तो काट ही नहीं सकते. आजमा आई थिंक यू रिलेट टू यस अब. ऑडियंस पकड़ लेती है कि ये हरकतें इसने इससे ही सीखा है या इसी से सीखा है. आई वॉन्ट टू से दिस, जब इंट्रो आया ना, जब इन लोगों का, तो को पता है मेरे दो डायलॉग कॉपीज हैं, कॉपीड है. कौन सा वाला? मैंने मैंने सीजन बोला था आई एम द बैड एस बिच, आई एम द बैड एस्ट, मैं ये एक लड़की ने कॉपी किया. हाँ एडी ने कॉपी किया आई थिंक. और एक और था मेरा डायलॉग जिसमें था आई एम प्यार व्यार करने में यहाँ पर आई नहीं हूँ, और मुझे प्यार इतनी आसानी से होता भी नहीं, ये भी कॉपीड है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड थिंग ना, पीपल आर कॉपिंग यू. I love them. Like I feel like imitating is the biggest form of flattery, and I love it. यस
आई लव इट, आई लव इट, आई एम इनफिनिट बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू डू अमेजिंग, एंड आई थिंक इफ आजमा इज योर कोच फॉर द सीजन शी नोज इट वेल, एंड आई होप यू ऑल हैव किल्ड इट, और हमारी ऑडियंस को मजा आए देखने के लिए, राइट आजमा. हाँ आज मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ना लॉकअप में एक स्टोरी बताई थी हम लोगों को, कि आप अपनी नानी को अपने साथ रखती हो एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वॉन्ट टू टेल पीपल, लाइक मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस करो मेरे चैनल पे आके, कि अब जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमें उन जैसे होता है ना कि घर से बाहर निकाल देते हैं अगर कोई 50-60 साल का हो जाता है, उनको फॉस्टर होम्स में डाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, ठीक है. तो मैं चाहती हूँ, हाँ आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में कुछ बताओ. मेरी आंटी जो थी शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज 37 ईयर्स ओल्ड ओनली. तो मेरी नानी वॉज मेंटली इल. जब मेरे मामू की डेथ हुई थी तो उनको इतना ज्यादा सदमा लगा था. जब वो फेंट हुई तो उसके 2 दिन बाद उनको होश आया, और जब उनको होश आया शी वॉज कम्प्लीटली मेंटली डैमेज्ड. उनके बाद उनका बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुए, जिसमें से उस टाइम पे इतने ज्यादा अच्छे मेडिसिन नहीं थे, तो उनको शॉक ट्रीटमेंट भी दिया था. तो शॉक ट्रीटमेंट से उनकी हालत ठीक नहीं हो गई, उनकी हालत वर्स्ट हो गई थी. तो तब से ही मेरी आंटी ने उनका ख्याल रखा है, बिकॉज मेरी मॉम की तो 16 ईयर्स में शादी हो गई. माई आंटी वॉज अनमैरिड, तो उन्होंने तब से ही उनका ख्याल रखा. मतलब सिर्फ मेरी आंटी ने ही उनको, मेरी जो नानी को, उनको माँ वाला प्यार मेरी आंटी ने दिया, मेरी खाला ने दिया उनको, मेरी नानी को. फिर मेरी खाला को हो गया कैंसर, एंड दैट टू उनको 2 टाइप्स ऑफ कैंसर हो गए, वो भी लास्ट स्टेज के. अब मेरी नानी इज मेंटली इल, वो थोड़ी उनको हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाएगी. तो वो सारा चीज मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, मेरी मॉम डैड, हम लोग सब करने लग गए. एंड देन फिर केमो वेमो होने लगा, तो हमने क्या किया, उनको इधर ही लेकर आ गए हमारे घर पे, मेरी आंटी को और फिर मेरी नानी को. 2 साल पहले मेरी आंटी की डेथ हो गई, बिकॉज शी हैड 2 टाइप्स ऑफ कैंसर, और खेमो वेमो कुछ असर नहीं कर रहा था, बहुत एक्सट्रीम हो गया था, एंड शी डाइड. उसके बाद फिर मेरी नानी हमारे साथ ही रहती थी, और फिर हमारे घर में मेरी नानी थोड़ी मेंटली इल है, तो उनको आदत थी कि वो जहाँ पे बैठी है वहीं पे वो सुसु कर देती थी, वॉशरूम कर देती थी. तो उनके मतलब उनमें हिम्मत नहीं होती थी, अगर ये बड़ा रूम है ना तो यहाँ से चल के वो वहां तक वॉशरूम के लिए नहीं जा सकती थी. अगर हमको उठाकर लेकर जा रहे तो फिर वो जा सकती थी. बट मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मेरी आंटी और मेरी नानी भी आए थे, तो मेरी नानी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी. तो मेरी नानी जब सुसु या पॉटी भी करती थी तो वो मैं क्लीन करती थी, कभी मेरी बहन क्लीन करती थी. मेरी बहन नहीं होती थी तो फिर मैं करती थी. हमारे जो घर पे मेड है वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, हमने कभी उसको ऐसा काम नहीं दिया कि वो किसी भी चीज में, कुछ कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, ये हम अपने अपनों का कर सकते हैं. तो फिर मैं मेरी नानी का सुसु और वो पॉटी वगैरह भी क्लीन कर देती थी, फिर उनको शावर कभी दे दूँ. उनको शावर लेना पसंद नहीं है, तो कभी कभी उनको मैं शावर के लिए भी लेके जाती थी. उसमें भी मेरी बहुत मार मारपीट लग जाती थी, मेरी फुल ऑन धुलाई हो जाती थी. देन मैंने डिसाइड किया कि उनके लिए एक, अब मेरे घर में एक छोटा सा रूम बनाती हूँ, क्योंकि वो छोटी स्पेस में ज्यादा कंफर्टेबल है. तो फिर उनके लिए मैंने एक रूम बनाया इधर मेरे, मतलब मेरे घर में, क्योंकि वो ज्यादा, उनको चलना नहीं हो रहा था, बट उनको वॉशरूम यूज करने की बहुत आदत है, बार बार उनको पानी के साथ कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है, हाथ धोने चली जाओ बार बार. मतलब वो गिरने विरने का भी उनको, वो मतलब हमारे घर में भी जब ज्यादा स्पेस में वो रहती थी तो वो गिर विर जाती थी यहाँ वहां पे, बट वो जाती थी वॉशरूम. देन मैंने एक छोटा सा उनके लिए रूम बनाया, अभी वो एकदम कंफर्टेबल है, एकदम मस्त अपना वॉशरूम जाती है टाइम पे, अभी वो गंदगी वगैरह भी वैसे नहीं कर रहा है. इट इज ऑल गुड, शी इज वेरी हैप्पी. वो अपने अकेले अकेले में गालियां वालियां बकते रहते हैं, खाना वाना हम उनको टाइम पे दे देते हैं, सब कुछ ठीक है. तो आई थिंक मैं सबको यही बोलूंगी कि आप अच्छे कर्म करो. जब आप अभी ये सब चीजें कर रहे हो किसी के लिए, अपनी नानी के लिए या अपने मॉम के लिए, किसी किसी के मॉम्स भी आई थिंक 80s 90s में होंगे, क्योंकि हमको सारे यंगस्टर्स ही फॉलो नहीं करते, बहुत ओल्डीज भी फॉलो करते हैं. तो ओल्डीज मतलब मतलब सीनियर सिटीजंस या जो भी बोलते हैं उनको, यस वो लोग भी फॉलो करते हैं. तो आई थिंक आप हमेशा कुछ भी करते हो ना, तो अपने आप को इमेजिन करो उस जगह पे कि अगर इसकी जगह मैं होती और मेरे साथ ये सब होता, तो वैसे ही नहीं, अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को जगाओ. फिर ऊपर वाला आपको चाहे जिंदगी में कुछ दे या ना दे, लेकिन आपको इस जिंदगी के बाद बहुत कुछ मिलेगा. अच्छे कर्म कर,
फल की चिंता मत कर, फल ऊपर वाला देगा, यही बोलना चाह रही यस हूँ एग्जैक्टली यस मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब तू स्विट्जरलैंड गई थी तो हु वाज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन ऑल द सीजंस यू वॉच, लाइक तुझे किसने बहुत इंस्पायर किया था, लाइक तेरा भी तो कोई इंस्पिरेशन रहा होगा कोई रियलिटी शो में, कोई भी कौन है मतलब, लाइक हैव यू एवर सीन, नो मेरा नेवर कोई इंस्पिरेशन नहीं था, और प्लस जो मैंने एक अपनी पर्सनालिटी मेरी जो है वो किसी के साथ कभी कंपेयर भी नहीं हुई है मेरी पर्सनालिटी, कभी तो नहीं इट वाज अ मेरी हाँ थोड़ी यूनिक ही पर्सनालिटी, लाइक यू भव्या इज वन एंड ओनली, भव्या की तरह सेकंड पार्ट अभी तक आया ही नहीं है और ना कभी देखने मिला है, लाइक तुम्हारी तरह इतना पावरफुल कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो भी इतनी सारी गालियों के साथ बढ़िया, व्हाट अ शो कैन डू। आज मैं जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक ऑडियंस को एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। अपने फैंस को मैसेज दू, और मेरे फैंस आई लव यू ऑल, और जो मेरे व्यूअर्स है उनको भी मेरा बहुत सारा प्यार, बस दुआ करो कि मेरा जैकपॉट लग जाए, कहीं से बहुत बड़ा हाथ मार लूं मैं और करोड़पति बन जाऊं, फिर मैं ऐश और आराम वाली जिंदगी देखना, आप लोग देखना किसी प्राइवेट जेट में घूमूंगी ये वो है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें कि मेरा जैकपॉट लग जाए, आई लव यू ऑल, और मैं भी प्रे करूंगी तुम लोगों का भी लग जाए, हाँ आई लव यू ऑल, आई लव यू आजमा, थैंक यू फॉर आई डूइंग, लव यू भव्या, तुम्हारा भी जैकपॉट लग जाए, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, यू आर एब्सोल्यूटली, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट पॉडकास्ट आई हैव डन सो फार, मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ रिलेट किया, बट मैंने तेरे साथ जो इतना रिलेट किया ना, मतलब कोई मैं भी बोलना चाहती हूँ ये खुले में कि मेरा भी जैकपॉट लग जाए, मेरी ऐशो आराम वाली जिंदगी हो जाए, बट मैं नहीं बोल पाऊंगी, यू नो दैट्स व्हाई पीपल से यू आर आजमा, नोबडी कैन बी लाइक आजमा, लाइक यू कैन नेवर, मैंने मतलब मेरे दोस्त मुझसे बात करते हैं, उन सबने रियलिटी शो किया, बट हम लोग क्या फोन पे बोलते हैं यार कोई लड़का मिल जाए अमीर सा सेटल हो जाओ बाय गॉड, ठीक है, पर तू बहन तू सबके सामने बोल सबके देती है, सामने बोलती हूँ, आई हाँ लव यार दैट अबाउट यू, आई लव दैट अबाउट यू, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस आजमा, आई हैव ओनली लव फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, आई होप दिस विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, लोगों को कुछ सीखने को मिले, एंड आपको यस बोलना है तो आप बोल दीजिए, वरना मेरा तो हो गया आज का, यस थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी भव्या, और भव्या इज द बेस्ट पर्सन गाइस, जो हम मैंने स्प्लिटसुला में भव्या को देखा था, जब मैं भव्या को रियल में मिली थी मैं सोच रही थी यार ये वैसे ही गुस्से वाली तो नहीं है, बट शी इज सो स्वीट, इतनी स्वीट, शी विल ट्राई हर बेस्ट टू कीप यू कंफर्टेबल एंड टू कीप यू हैप्पी, मतलब भव्या के जैसे लोग हमको हमेशा नहीं मिलते हैं स्पेशली इंडस्ट्री में, बहुत आपको पता है भव्या लोग आपको नीचे मतलब सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री में ज्यादा, कि आई एम मोर सुपीरियर, आई एम मोर सुपीरियर, बट भव्या इतनी अच्छी है, आई स्वेयर टू गॉड बस आई कर लव यू लो, भव्या, मैं आपको सिर्फ फॉलो नहीं मैंने करूंगी पैसे नहीं दिए आजमा को, मेरे तो पैसे नहीं दिए तुमको ऐसे नहीं कुछ लगता मैं अपना गूगल पे नंबर दे दूं क्या भव्या को बोलूंगी मुझे हेलो मैंने तेरी तारीफ की ना चल अब पैसे बट भेज थैंक यू आजमा, दिल्ली मैं कब आ रही हो तू, दिल्ली आना है तेरे को जल्दी, बहुत जल्दी आऊंगी, यस बहुत बहुत जल्दी, जल्दी आऊंगी दिल्ली, वी विल टेक यस आजमा टू शॉपिंग एंड एवरीथिंग एंड वी विल व्लॉग इट फॉर यू गाइस, यस वी सी यू नेक्स्ट वेंसडे एट 4:45 PM, थैंक यू आजमा, हैव एन अमेजिंग नाइट, आई बाय बाय। बाय।